अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। वालेकुम अरे सलाम सब सर। कहाँ हैं? सर मैं ये रहा। ग्रुप तो सही भेजा कर, सही ग्रुप पे तो भेजा कर चीज। सर वो कॉपी इतने बंटवा रहा है। देखो, मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा बताना भूल गया कि ये जो क्विज है ना, ये कोई मैं 30-35 दफ़ा जो है ना रोल आउट कर रहा हूँ। तो इंटरनेट पे जितने पॉसिबल अवेलेबल आंसर्स हैं वो मुझे पता है, तो अगर जिसने दिमाग से किया उसको नंबर मिलेंगे। जिसके अकाउंट में 0 लगा हुआ आ गया वो समझ जाए कि उसने छापा है। सर मैंने ईमानदारी से खुद टाइप किया तुम्हारी ईमानदारी और जिसकी बेईमानी है ना, वो तो पता चल जाएगा नंबर में। वो सर। तो हिसाब तो हर किसी का अलग अलग होगा ना भैया। सही बात है सर। आसिफ साहब, आपने वीडियो ऑन कर दी, वो भी काली काली। सर आपने एपिसोड देखा सर? पांचवा देख रहा था अभी, तुम लोगों का क्विज अरे देखे। सर, इतनी जल्दी 5 में पहुंच गए आप। मैंने भी तो एक देखा है। बंद कर दो सर। मैं तो लेट हो गया, नहीं तो कल तो मैं छुट्टी करके पूरे देखता। सर थोड़ा वेयर हाउस वाला समझा दीगा सर। वेयर हाउस के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। बना तो लिया है हमने, लेकिन जो है ना। अच्छा, अभी तक कोई 30 लोगों ने जमा कराया है, तो बाकी 10 लोग शायद जो है किसी इंतजार में मुआवजे के। कैसे क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं मैं आपकी RD या फाइनल्स या क्या है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। आर डी शायद नहीं होंगे। RD की जगह जो है असाइनमेंट्स और क्विज ले लेंगे। फाइनल असेसमेंट ज़रूर होगी। आप लोगों को मैंने एक अभी असाइनमेंट दिया हुआ है, राइट सप्लाई फॉर योर प्रोडक्ट। वो हर किसी का इंडिविजुअल असाइनमेंट है। उसमें आर्टिकल पढ़ना और उस आर्टिकल को 25 स्लाइड्स में समझाना है। मतलब अगर आप वो आर्टिकल किसी को प्रेजेंट करें तो 25 स्लाइड्स में उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, आपने ये करना है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर वेयर सर ये हाउस क्वेश्चन से। नंबर, एक मिनट जी, बताइए सर मेरा सर वेयर जी। हाउस जी आसिफ बताइए। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये क्या कहते हैं, राइट प्रोडक्ट फॉर द सप्लाई चेन, जो आपने ये असाइनमेंट दिया था नहीं, इसमें उल्टा बताया आपने, आपने असाइनमेंट, उल्टा बताया। राइट सप्लाई चेन फॉर योर प्रोडक्ट। राइट फॉर योर प्रोडक्ट, सॉरी, इसमें आपने वो लिखा था -5 फॉर मतलब जो भी कॉपी पेस्ट मवाद होगा, तो मतलब थोड़ा सा भी नहीं चलेगा या कुछ मार्जिन है इसमें? 30% का मार्जिन है। कितने? 30-30 क्योंकि ठीक है सर। वो डी द आई मैं जो आप लिखते हो ना, वो भी कॉपी में आ जाता है ना। नहीं, मेरा उस सेंस में मतलब नहीं था। नहीं, मैं आपको उस सेंस में समझा रहा हूँ कि 0% प्लेजरिज्म नहीं हो सकती। आप वो हाँ लिखते हो आई था, मैं आया था, गया था, हुई थी, हुआ था, वो सब प्लेजरिज्म में आता है। 30% का मैं मार्जिन देता हूँ। बाकी मेरे पास प्लेजरिज्म चेकर है, मैं 1 मिनट में चेक कर लूँगा आपने कहाँ से छापा है। कोई मसला नहीं है उसके लिए। नहीं, तो आपने तो आर्टिकल पढ़ने को दिया हुआ था ना। आर्टिकल पढ़ के उसको अपने अल्फाज में लिखना है। आर्टिकल में से कॉपी पेस्ट थोड़ी करना है। आप आर्टिकल पढ़ेंगे और उसको 25 स्लाइड्स में अपने अल्फाज में बताएंगे। ठीक है सर, ठीक। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने क्वेश्चन दिया था इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा समझा दीजिए। अभी तो सर इंटरनेट से देख दाख के कुछ कर दिया है बस, बाकी सर थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट सही नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। अस्सलाम। वेयर हाउस के असाइनमेंट के कुछ मार्क्स हैं क्योंकि उस पे लिखे हुए नहीं थे। अच्छा सब असाइनमेंट जो भी आपको दिए जा रहे हैं उन सब के मार्क्स हैं। असल में देखिए, दो तरीके होते हैं टीचर के पास एवेल्यूएट करने के। या तो मैं आपको एक 40 नंबर का भरपूर सा कोई असाइनमेंट दे देता, या ये छोटे छोटे असाइनमेंट। इससे आपका क्या है, वीकली आपका काम भी होता जा रहा है और अल्टीमेटली आपकी असेसमेंट भी क्लियर होती जा रही है।
तो जब मेरे पास असेसमेंट का ग्रेड प्लान आएगा ना, मैं उसको डिसाइड करूंगा कि कौन से असाइनमेंट को 2 नंबर देने, कौन से असाइनमेंट को 5 नंबर देने। बट आप लोग हर असाइनमेंट को इम्पोर्टेंटली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और अगर किसी ने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है तो वो अपने सीआर को, मुझे सीआर भी याद नहीं, अहमद था या हारिस था, जो भी था, अपने सीआर को बताएं कि भाई मैंने ये असाइनमेंट नहीं किए। क्योंकि जब मैं असेसमेंट करने बैठूंगा और उस वक्त आपके असाइनमेंट नहीं होंगे तो आपका नंबर 0 होगा, अल्टीमेटली वो आपके ग्रेड को इफेक्ट करेगा। सही। और सर जो वेयरहाउस का असाइनमेंट था उसमें कॉपी एंड पेस्ट के मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होंगे जैसे कि इस वाले असाइनमेंट में है? कॉपी एंड पेस्ट के मार्क्स हर जगह डिडक्ट होंगे, प्लेजरिज्म हर असाइनमेंट में चेक होगा। सर मैंने अपने वेयरहाउस के असाइनमेंट में इधर उधर थोड़ा सा जो कोट होता है ना ICCA का, वो मैंने कोट वगैरह लिखे कि जी जो आपकी वेयरहाउस फ्रीजिंग होती है क्लाइमेट वेयरहाउस के लिए, तो सर उसमें तो ये नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मैंने तो आपको उसमें असाइनमेंट में ऐसी कुट मांगी नहीं है, मैंने तो कहा एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और उस प्रोडक्ट से सिलेक्टेड अपना वेयरहाउस डिजाइन करो, उसमें कहीं से छापने की जरूरत ही नहीं थी। तो सर हम ICCA का IICA का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो हम मैंने मांगा था उसमें नहीं नहीं तो फिर 1.5 और 2 तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, तो ट्राई नहीं करो इन सब चीज़ों की। हाँ लेकिन कोर्ट वगैरह हुआ, देखो जब प्रेसिडेंट चेक कर रहे होते हैं तो इंसान को खुद नज़र आ रहा होता है कि प्रेसिडेंट किस चीज़ की। एक तो ये कि आपने कोई अच्छी सी वेबसाइट ढूंढी, उस पर से कॉपी मारा, पेस्ट मारा, जमा करा दिया, 5 मिनट में असाइनमेंट कंप्लीट। अगर ऐसा कुछ किया होगा तो यकीन उसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। लेकिन किसी से कोट लिए या कहीं से कोई इमेज लिए अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को एलेबोरेट करने के लिए, तो आई विल अंडरस्टैंड फॉर श्योर। ठीक है सर। वेयरहाउस में जैसे मैंने असाइनमेंट लिया था उसमें जैसे मैंने पहले लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेयरहाउस, ठीक है, मतलब पहले के वेयरहाउस होना कैसा चाहिए, मैंने पूछा था उस असाइनमेंट में। नहीं मैंने अपने एंड पे बताया, मैंने तो नहीं पूछा था ना। अरे मैंने आपको इजाफी मालूमात के आप मुझे समझा रहे हैं कि असाइनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेयरहाउस क्या होते हैं, मतलब ये समझाना चाह रहे हैं? नहीं मैं अपने आप को समझाना चाह रहा था। तो अपने आप को समझाना था तो अपने पास कहीं घर में लिख लेते, दीवार वीवार पे लिख लेते अपने घर में। एक्चुअली सर वो क्या है कि अपने वेयरहाउस में और आइडियल वेयरहाउस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके डिफरेंसेस पे लिखे गए। हां कि ऐसा होना चाहिए और हमारा जो होगा वो इस तरह का होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्वियस है कि वो मैंने घर से आते, लेकिन सर जब आइडिया लिख रहे हैं तो उसमें कॉपी पे कॉपी एंड पेस्ट हुआ हुआ है तो मसला सारा ये, वो तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आ जाएगा। ठीक है अब देखते हैं उसको, कितना इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, कितना इंटरनेट ऑफ कॉपी होता है। सर मैं ये कह रहा था कि अभी ये जो क्विज का प्लेजरिज्म का परसेंटेज और जो असाइनमेंट का परसेंटेज है वो सेम है? सबका सेम है, 30% से 1% भी ऊपर वही मैं असाइनमेंट में 0 दे दूंगा। सर लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्विज में तो आपको पता है टाइम फ्रेम भी बहुत थोड़ा सा होता है, तो ये क्विज मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द 30th, तो 31st टाइम आई एम गिविंग दिस क्विज। और मैं क्लास में अगर ये क्विज देता हूँ ना तो सवाल बाय सवाल 10-10 मिनट देता हूँ। स्टिल अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई क्विज ठीक नहीं हुआ या क्विज में कोई प्रॉब्लम है या क्विज में मैंने छापा मारा है, तो मैं आपको क्लास के फौरन बाद 5 से लेकर 6 बजे तक इसको फिर ऑन कर दूंगा। जिस किसी ने भी छापा है काइंडली वो उसको रीसबमिट कर दे, ताकि जो है उसका मैं मतलब उसको मैं नंबर दे सकूँ इस बात के। अबे हमारा सीआर कौन है वैसे, आखिरी सीआर कौन बना था? हारिस सर? यस सर। सर वैसे सर वोट करा ले, अभी तक 6 क्लासें हो गई अभी तक वोटिंग पे लड़ रहे हैं। सर वोट कर, सर वोट से आसानी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी है तुम लोग लड़ रहे हो सर। नहीं लड़ने की बात नहीं है सर, वो पर एक्सक्यूज मी सर। हां हां हारिस बोल भाई, वो किसी की देर में नहीं होगा। सर मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया है, वो क्विज आई मीन क्विज सर, वो इंटरनेट फेलियर हुआ था, वो पूरी डिवाइस को इशू हुआ था, अभी जाके जुगाड़ किए सर। अच्छा सर 14 मिनट लेट हो गया हूं सर। जमा हो गया? नहीं सर क्विज नहीं किया मैंने जमा, असाइनमेंट तो जमा करा दिए सारे मैंने, अभी जो लेटेस्ट दिया है वो बाकी है सिर्फ, बाकी सारे असाइनमेंट मेरे टाइम से पहले सबमिटेड है। मैंने आपको ये बताया कि मैं 5 से 6 इस क्विज को ओपन कर दूंगा, आप लोग जमा करा देना जिसने जमा। 5 से 6 बजे की टाइमिंग पे, 5 टू 6 एक घंटे के लिए ना? हां हां ठीक है सर, ओके जी सर, आप बताइए। सर मैं कह रहा था कि इसमें वो मतलब लड़ने की बात नहीं है, लेकिन एक एक क्लियर हो जाएगा ना कि भाई ये है सूरत हाल। अब ऐसे
आप हैं सर, फिर अहमद की दिलदारी होगी ना सर, मुझे अच्छा लगेगा। आप और अहमद दोनों हैं सर। इस तरह बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना सर, थोड़ा क्या हो रही है, दो बंदे सीआर और खत्म। नहीं मुझे अच्छा, मुझे अच्छा ही लग रहा है, दिलदारी हो जाएगी और गलत बात हो जाएगी। अहमद साहब आपके दिलदारी हो गई, अहमद साहब तो बात ही नहीं कर सर। असिस्टेंट सीआर बना देना, एक सीआर फिर एक डिप्टी सीआर फिर उसके लिए दो असिस्टेंट सीआर फिर दो एग्जीक्यूटिव सीआर फिर कोऑर्डिनेटर सीआर, है ना, सारी क्लास को सीआर में बनाना। सर अगर एक ऐसा इशू है तो आप तो है ही व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप ही कम्युनिकेट कर दे। डर नहीं, मैं तो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये जैसी बात है कि किसने असाइनमेंट जमा नहीं कराया, किसने कुछ जमा नहीं कराया, ये तो मैं उनके पीछे नहीं पड़ सकता ना, हर किसी के अलग अलग। जिसने जमा नहीं कराया वो अपने सी आर को कोऑर्डिनेट कर रहा। अच्छा हारिस और अहमद दोनों सी आर हैं, एक सी आर एक नायब सी आर, अब आप दोनों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोनों में से जिससे कॉन्टेक्ट करेंगे वो हम मुझे बता देगा अल्टीमेटली कि भाई इस बंदे ने ये असाइनमेंट जमा नहीं कराया। सही है सर। तो असेसमेंट प्लान आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसको फाइनल शक्ल दे के आई होप कि आपको मैं इस हफ्ते में दिखा दूंगा कि क्या आपका असेसमेंट या ग्रेडिंग प्लान होगा। बहुत सिंपल है ग्रेडिंग प्लान, आप एक पेपर तो लाजमी होगा जो कि फाइनल होगा। इस बीच जो आर डीज हैं उनको असाइनमेंट एंड क्विज टेकअप कर लेंगे, तो आर डीज के नंबर जो हैं वो असाइनमेंट एंड क्विज से एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी एक फाइनल असाइनमेंट आपको अलग से मिलेगा, या वो फाइनल असेसमेंट होगी वो मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर महमूद साहब जो आए थे उनसे मैं डिस्कस करके मैं फाइनल करके आपको बता दूंगा। ग्रेडिंग प्लान आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में मिल जाएगा। बट अब ये क्लियर है कि नंबर वन यू वोंट बी गोइंग टू कैंपस, नंबर टू देयर वोंट बी एनी आर डीज, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सरा। सर लाइक अभी हमारा पूरा सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, और फिजिकल क्लास की बात अलग होती है, तो आपको कुछ आइडिया है कि कितने सेमेस्टर हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे और हम जस्ट ऑनलाइन क्लासेस ही लेते रहेंगे? देखो इंटरनेशनली कोविड का किसी को आइडिया नहीं है ना, कोविड की वजह से बेसिकली जो हो रहा है वो आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। दूसरी यूनिवर्सिटी ने फिजिकल क्लासेस की ट्राई की है, बट वही बड़ा मिसहैप सा हुआ है कि किसी को कुछ नहीं पता, कोई आधी क्लास ले रहा है, कोई एक घंटे की क्लास ले रहा है। अब आप लोग खुद सोचो कि एक तीन घंटे की क्लास में कैसे इसको सेग्रीगेट किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, कोई किसी को मतलब खुदा ना खासा किसी को किसी से ये बीमारी लग गई तो वो फिर अपने आप को मिसफॉर्च्यून समझता रहेगा। तो इट्स बेटर के ट्राई टू अडेप्ट दिस सोशल लर्निंग, ठीक है ना। इंशाल्लाह जब ये चीज़ें जॉट डाउन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो यू विल हैव फिजिकल क्लासेस, बट फॉर दिस सेमेस्टर दिस इज श्योर के यू वॉन्ट बी हैविंग द फिजिकल क्लासेस। नेक्स्ट सेमेस्टर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आती हैं, कोविड की क्या सिचुएशन रहती है, इस पर डिपेंडेंट होंगी सारी चीज़ें। सर जी आर साहब, सर मैं ये कह रहा था कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है ना, तो आप वो हमें लिंक दे, एक राना बिलाल है वो ग्रुप में ऐड नहीं है अभी, अभी तो तक अभी तक ऐड नहीं है एससीएम के ग्रुप में, तो अगर आप लिंक दे दें तो मैं आपको लिंक दे देता हूं। और बस सर जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर जी, एक सवाल था सर, थोड़ा सा आप इनको टर्म्स के बारे में बता सकते हैं? अभी हम रिसेंटली इनको टर्म्स पूरी आज की क्लास में इनको टर्म्स का पूरा चैप्टर है। राइट सर, हम अभी एक पार्ट इंपोर्ट करवा रहे थे तो उसमें उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की थी, तो वो उसको हमारी जो सप्लाई चेन वाले थे वो ये कह रहे थे कि इनको टर्म्स, तो मैंने ये कहा था आपसे मैं डिस्कस कर। आज की क्लास का इनको टर्म एक पूरा पार्ट है। थैंक यू सो मच, आपने ये कोई क्वेरी रेज की, चुका है प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग का सप्लाई चेन का ये बहुत बड़ा पार्ट है, आज हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास से कोई क्वेरीज कोई सवाल जवाब, आप सब कुछ सारे सर पिछली क्लास से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि प्रोक्योरमेंट साइकिल को आप काइंडली स्टेप बाय स्टेप कर एक्सप्लेन कर दें फिर से कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है फिर सेकंड एंड सो ऑन। और सर इंडेंटिंग और कोटेशन में सर डिफरेंस एक दफा प्लीज फिर से बता दें। इंडेंटिंग और कोटेशन, ठीक है। यस मिस रजिया मासूमा, आपकी समझ में आया है सब?
हमारी क्लास में बड़े लिमिटेड से लोग एक्टिव हैं, बाकी सारे जो है बिल्कुल बैक स्टेज पे जा चुके हैं, इसकी वो खास वजह मैसम अली रिजवी, अकील खान, बिलाल मोहसिन, फखर आलम, मुनीब अख्तर साहब, सलमान सुहेल साहब, ये सब इनकी कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, मैं एक्टिव हूँ सर। सलमान, समझ आ रहा है आप लोगों की सब कुछ? जी सर आप लोगों को सारी क्लास के मटेरियल टाइमली एलएमएस पे मिल रहे हैं, यूट्यूब का लिंक मिल रहा है? जी सर एवरीथिंग इज गुड सर। अच्छा हैदर पट्टी साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? हैदर पटनी है क्लास में? हम्माद अहमद? यस सर अवेलेबल। गुड। बिलाल मोहसिन साहब, फखर आलम साहब, आरिफ साहब? यस सर। जी सर, सबका नाम लिखिए सर। आवाज नहीं है सर, बहुत शोर हो रहा है। बिलाल मोहसिन साहब का नाम लिखिए। यस सर। मुनीब अख्तर लिखिए। मुनीब अख्तर सर, ये फखर आलम का माइक म्यूट कर दीजिए। फखर साहब फुंके मारना बंद करें। रजिया मासूमा लिखे। सर करीब की आवाज है ना आपकी, आपसे बात करने के लिए करीब की आवाज है। मैं किस वजह से? कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? सब समझ में आ रहा है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह आपकी दुआएं। आप तबीयत ठीक है? सब कुछ समझ में आ रहा है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। नाम लेना शुरू कर दिया आरिफ साहब? अरे सर एक दफा रिपीट करिएगा दोबारा से सर। रजिया मासूमा? यस सर। बिलाल मोहसिन? यस सर। मुनीब अख्तर? मोहम्मद मुनीब अख्तर। यस सर। ठीक है। सैयद अब्दुल्ला साहब? सैयद अब्दुल्ला का नाम भी लिखो सर। एक मिनट हो गया। सैयद अब्दुल्ला साहब आवाज आ रही है आपको? लिखिए उनका नाम भी। लिख लिया सर। तला जमाल साहब? यस सर लिख लिया। जी सर। ओके तला जमाल साहब हैं। तौकीर असलम? नहीं सर, मैं भी अवेलेबल हूँ, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, आवाज कट रही है। ओके आपके समझ में आ रहा है सब? जी सर समझ आ रहा है। ओके गुड। राजिया का नाम हटा दूं? जी हटा दें। हैदर पट्टी साहब का नाम लिखे हम। सही है सर। सबसे पहले क्लास में आके बैठ के चले गए। सर अब्दुल्ला का मैसेज आ रहा है, उनका माइक नहीं चल रहा। वाह, चैट बॉक्स में आ रहा सर, आप भी देख सकते हैं। तो बगैर लैपटॉप का माइक ही नहीं चल रहा सर, अब ये तो वही बता सकते हैं। ये तो तरीका है ना यार काम करने का, वो बिठा दिया जिसको बोला आवाज आए तो बोलना है, माइक नहीं चल रहा। सर अगर आवाज वो लोग निकाल भी लेते तो आपको कैसे पता चलता कि वही पर्सन है दूसरा है? आवाज तो निकालते हुए पता चलता जिंदा है नहीं है, ऑन करके कहीं चला तो नहीं गया। मतलब सांसें चलनी चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ सांसें नफ चलती रहनी चाहिए ना, मतलब फूके मारनी चाहिए तो पता तो चले कि कोई बैठा है। ये तो ऐसा लैपटॉप ऑन करके चलेगा कहीं चक्कर वक्कर लगा के आगे दूध दें डब्ल्यूटी के। गुड चले प्रोक्योरमेंट सोर्स, पहले तो हम थोड़ा क्विज वन को डिफाइन कर देते हैं। सॉरी चारों नाम भेजूं आपको? जी भेजिए बिल्कुल। सर मैं ऑनलाइन था लेकिन मेरा माइक लैपटॉप नहीं चल रहा था तो इसलिए मैं अभी मोबाइल से ऑनलाइन हुआ दोबारा। ओके हेलो। जी जी सर, वो पहले पीसी से ऑनलाइन था मैं, जो मेरा माइक नहीं चल रहा, ये मोबाइल से ऑनलाइन होके मैंने आपको रिप्लाई किया है। ओके सब ठीक है? जी जी सर समझ आ रहा है। ओके ये तो देखो, ये तो मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो मुझे मसला नहीं, मुझे आप लोग क्लास में बैठे हो या नहीं हो। नहीं नहीं सर आप क्लास में, ये टेंशन नहीं लें आप। मुझे टेंशन नहीं लेनी दोस्त, टेंशन तुम लोगों ने लेनी है, क्योंकि जब नंबर अपलोड होंगे ना फिर तुम लोग हाथ उठा के बद्दुआएं दोगे मुझे ना। नहीं सर क्लास में मौजूद हूं, मैं भी कमेंट कर रहा हूं साथ साथ। गुड गुड थैंक यू। किसी का भी नाम नहीं देना भाई, सब हैं हमारी क्लास में ठीक है।
क्विज वन का पहला सवाल था, डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज बिटवीन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफाइन करना था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज डिफाइन करने थे, जिसने दो या इससे ज़्यादा डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बताई हैं उसका ये जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, व्हाट डिफिकल्टीज माइट बी एक्सपेक्टेड व्हेन मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीमेंट अ बिजनेस प्रोसेस अप्रोच विथ मेंबर्स ऑफ द फर्म सप्लाई चेन। अच्छा, फर्म्स के अंदर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ये कहती है कि आप बिजनेस प्रोसेस अप्रोच सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को अलाइन करें। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमने समझा था कि यार सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट। जब ऑल पार्टीज इन्वॉल्व की बात हो जाती है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, ये सब एक पेज पर होने चाहिए। और ये मैनेजमेंट की बिजनेस प्रोसेस अप्रोच होती है कि हमें कस्टमर ओरिएंटेड बनना है। अब कस्टमर ओरिएंटेड जब बनना होता है ना, तो हर डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यार कस्टमर इज़ द किंग एंड कस्टमर जो भी बात करता है, कस्टमर जो भी क्वेरी जनरेट करता है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं है, वो पूरी सप्लाई चेन की क्वेरी है। और अगर इस चीज़ को, बिजनेस अप्रोच को सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में या फर्म के अंदर कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही होती हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या आता है कि ओनरशिप हर डिपार्टमेंट लेने को तैयार नहीं होता। सेल्स वाला कहता है यार मेरी क्या गलती, कस्टमर को अगर ये प्रोडक्ट समझ में नहीं है, या मेरी क्या गलती कि इसमें कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, रिसाइकल पर भेज रहा है, मतलब वारंटी क्लेम में डाल रहा है। मार्केटिंग वालों के अलग मसले होते हैं, प्रोडक्शन वालों के अलग होते हैं, ऑपरेशन वालों के अलग होते हैं। तो अगर किसी ने इस अप्रोच के ज़रिए इस सवाल का जवाब दिया, तो आई गेस कि उसने कम्प्लीटली इस सवाल को समझ लिया और सवाल को जवाब दे दिया। अगर किसी को और कोई और चीज़ इस सवाल में समझ में आई है तो वो बता दे। सर, मैंने तो आंसर यूँ लिखा है कि मे बी आप फाइनेंस को इन्वॉल्व नहीं करें अपनी लाइक फर्म में, तो उससे फिर ये होगा कि कंपनी लॉस में चली जाएगी, आपके पास बजट इतना नहीं था। अच्छा, इस लिहाज से पॉइंट लिखा है। इसमें आपका बिजनेस प्रोसेस अप्रोच क्या था? सॉरी, बिजनेस प्रोसेस अप्रोच। हाँ, कि कोई प्रोडक्ट, हाँ बस कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और सप्लाई चेन को इतना लूप में नहीं लिया, और जब पूरी प्रोसेस हो चुका तो बाद में पता चल रहा है कि भाई इतना बजट था ही नहीं कंपनी के पास। ओके, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है इस सवाल को देखने का। बट आपने बिजनेस प्रोसेस अप्रोच को ना मिस कर दिया। बिजनेस प्रोसेस अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम अगर कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है या कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है, तो कस्टमर को हर कोई जवाब दो। मतलब आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट उस वक्त रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं होती, और कस्टमर डिससेटिस्फाइड जाता है ना, तो पूरी कंपनी को उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए कि हाँ यार हमने मेन्यू में ये प्रोडक्ट रखी है, लेकिन हम टाइमली इस चीज़ को रेस्टोरेंट तक डिलीवर नहीं कर पाए। इसके अंदर लॉजिस्टिक्स वालों का भी मसला हो सकता है, सप्लाई चेन का भी हो सकता है, फाइनेंस का भी हो सकता है, प्रोक्योरमेंट का भी हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का मसला हो सकता है ना। तो हर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल ओनरशिप लेनी चाहिए। अब हम रेस्टोरेंट में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं, ठीक है। हमारी वजह से या हमारी ना आईली की वजह से या हमारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से कोई प्रोडक्ट सर्व होना बंद हो गई, कोई मशीन ब्रेक डाउन कर गई, कोई प्रोडक्ट सर्व होना बंद हो गई, तो हमें इस चीज़ की ओनरशिप लेनी चाहिए कि यार हमारी गलती थी कि जिसकी वजह से एक्स वाई जी अमाउंट सेल लॉस हुआ, और ये सेल लॉस नहीं होना चाहिए। आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, आपको एसी चलता हुआ नहीं मिलता, और कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है, कस्टमर डिसएग्री करता है, कस्टमर नाराज़ होता है, कस्टमर फूड नहीं ऑर्डर करता, चला जाता है, और ये सेल लॉस परमानेंट सेल लॉस होता है। देखो, मार्केटिंग के अंदर ना एक थंब रूल होता है 1, 3 and 5 का। नए कस्टमर को बनाना जो है ना वो 1 रुपये चार्ज है, पुराने कस्टमर को रिटेन करना 3 रुपये चार्ज है, और पुराने डिससेटिस्फाइड कस्टमर को रिटेन करना इस 5 रुपये चार्ज। मीन्स कि अगर नया कस्टमर बनाने में आपका 1% पैसा खर्च हो रहा है, या 1 रुपया खर्च हो रहा है, या 10% खर्च हो रहा है ना, तो पुराने डिससेटिस्फाइड कस्टमर को रिटेन करने में आपको 5 रुपये या 5 times जो है ना आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसी थंब रूल को चल के पेश नज़र आप एक बिजनेस प्रोसेस अप्रोच बनाते हो कि अगर
किसी भी वजह से कोई भी मसला आ रहा है या किसी भी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई जा रहा है या किसी भी वजह से कस्टमर मेरी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो इसमें हर डिपार्टमेंट की इक्वल गलती है, किसी पे आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। और अगर ये ब्लेम गेम है तो ये क्यों है और इसको ख़त्म करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस सवाल में बिजनेस प्रोसेस अप्रोच बनानी थी, फिर मेंबर्स, मेजर मेंबर्स ऑफ द फर्म सप्लाई चेन बनाने थे, और फिर डिफ़िकल्टीज बताने थी कि मैनेजमेंट को क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं अगर वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के साथ ये बिजनेस प्रोसेस अप्रोच अपने फर्म्स की फर्म की सप्लाई चेन में इनकॉर्पोरेट कर रही है। ठीक है सर, ये जो बिजनेस प्रोसेस अप्रोच की आप बात कर रहे हैं ये कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। हर बिजनेस प्रोसेस अप्रोच बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस क्यों रखा है आपने, वो बिजनेस बनाया क्यों है, कस्टमर को सर्व करने के लिए। अब वो बी टू बी कस्टमर भी हो सकता है, बी टू सी कस्टमर भी हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ भी डीलिंग कर रहे हो तो, या कभी कभी डायरेक्ट कस्टमर के साथ भी डीलिंग करते हो जो कि अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर नहीं होता, वो भी आपसे बिजनेस ही कर रहा होता है। मीन्स आप कोई रॉ मटेरियल बना रहे हो, जो किसी के लिए आप रॉ मटेरियल बना रहे हो, लेकिन वो उस रॉ मटेरियल से तो फिनिश प्रोडक्ट ही बनाएगा ना। तो अल्टीमेटली जिसके भी साथ डील कर रहे हो वो आपका कस्टमर है, तो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। अब हर किसी का कस्टमर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, एक प्लेन बेचने वाली कंपनी और एक बर्गर बेचने वाली कंपनी का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। बर्गर एक छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटी सी अमाउंट है, प्लेन एक बड़ी अमाउंट है, बर्गर 10 मिनट में बन जाता है, प्लेन को बनने में 2 साल लगते हैं, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन वेयर देयर इज अ बिजनेस देयर इज अ कस्टमर। अच्छा सर, मैंने बिजनेस अप्रोच के लिहाज से ही लिखा था कि एक जो मेजर डिफिकल्टी होती है किसी भी फर्म को वो होती है मॉडर्न डे टैक्टिक्स की, क्योंकि सप्लाई चेन आमतौर पे वेल अलाइंड होता है लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स से, जो कि आमतौर पे एलैबोरेट करें इसको, जवाब अच्छा। मतलब देखिए, एक अगर मैं लोकल किसी कंपनी की बात करूँ तो उनका मॉडर्न डे सप्लाई चेन से यही एक हर्डल होता है कि वो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को लेके चल रहे होते हैं, बट सप्लाई चेन अगर एक फुल एंड फ्लैश डिपार्ट है तो वो लेटेस्ट टेक्निक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके ऊपर ज़्यादा फोकसाइज्ड होती है रादर देन। हाँ, लेकिन 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 इस सब सिनेरियो में आपकी बिजनेस प्रोसेस अप्रोच क्या है? बिजनेस प्रोसेस अप्रोच तो वही है ना कि आपकी ओनरशिप हो और नहीं नहीं बिजनेस प्रोसेस अप्रोच Why you have set up this business? To feed the customers. Yes. At the end of the day. So, yes. तो अब आपने जब business process approach को clear कर लिया ना, या मुझे मेरा business इसलिए चल रहा है कि मेरे customer satisfied रहें, और अगर मेरे customer मेरी product से satisfied नहीं है तो मुझे देखना है कि मेरी product में क्या गलती है, market में क्या trend चल रहा है, मैं कोई outdated product तो नहीं बेच रहा, ऐसा तो नहीं कि मैं इनोवेशन से हटने के चक्कर में बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया हूँ, इसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, या मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं है, या मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग अट्रैक्टिव नहीं है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट अट्रैक्टिव नहीं है, मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिक फीचर ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जब देखने जाते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि किस किस डिपार्टमेंट को ट्विक्स एंड टर्न्स की ज़रूरत है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट तक टाइमली नहीं पहुँच पा रही, क्यों? फाइनेंस पेमेंट फाइनेंस जो है टाइमली पेमेंट पे रिलीज नहीं कर रहा, और इसकी वजह से सप्लायर और वेंडर डिससेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट टाइमली मार्केट नहीं पहुंच रही, मेरी प्रोडक्ट का टाइम टू मार्केट बढ़ गया। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की R&D ठीक से नहीं हो रही, मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग ठीक से नहीं हो रही, पैकेजिंग की क्वालिटी ठीक नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, प्राइस पॉइंट हाई है, सेल्स रेप जो है वो ठीक तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे, ट्रेनिंग का इशू है, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्रोसेस अप्रोच में। एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इन सारे डिपार्टमेंट्स का एक्टिवली और इन लाइन होना, एक्टिवली अलाइंड होना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और एक्टिवली कस्टमर को रिस्पांस करना ज़रूरी है। और अगर ये सारी चीज़ें ऑन स्पॉट टू दी पॉइंट हैं, आपकी सेल्स जनरेट होगी, आपकी सेल्स रहेगी, आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, अगर सब चीज़ें इन लाइन नहीं है तभी आपकी सेल्स डाउन होगी, तभी आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको जब आप कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस प्रोसेस अप्रोच बना रहे हो तो ध्यान में रखना होता है। और आखिरी सवाल था
एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द सप्लाई चेन डिज़ाइन, कि आपकी सप्लाई चेन डिज़ाइन को कि आपको सप्लाई चेन में किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पार्ट पे कम, किस पार्ट पे उससे कम, आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आपकी कस्टमर फ्लो कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट फ्लो कैसा होना चाहिए, इस सब को प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करनी। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल जो थी वो थी प्रोडक्ट की नेचर, ठीक है ना। आपकी प्रोडक्ट सपोज आपकी प्रोडक्ट आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की सप्लाई चेन और ड्राई प्रोडक्ट की सप्लाई चेन बिल्कुल डिफरेंट होती है। आइसक्रीम की सप्लाई चेन में आपको हर पॉइंट पर टेम्परेचर कंट्रोल का ख्याल रखना होता है, ठीक है, हैंडलिंग का ख्याल रखना होता है। ड्राई प्रोडक्ट में इतना हैंडलिंग का ख्याल नहीं रखना होता। आइसक्रीम प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपको पतली रखनी पड़ती है, आइसक्रीम प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपको ऐसे रखनी पड़ती है कि आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्ट तक टेम्परेचर पहुँचे। ड्राई प्रोडक्ट की के अंदर आपको ये सब मसले नहीं होते, उनकी हैंडलिंग के इक्विपमेंट अलग होते हैं, ड्राई प्रोडक्ट की हैंडलिंग के इक्विपमेंट अलग होते हैं, शेल्फ लाइफ डिफरेंट होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोडक्ट के होते हैं आपके सप्लाई चेन डिज़ाइन को बनाने में हेल्प करते हैं। अब किस किस को लगता है कि उसने कोई बिल्कुल ठीक किया, किस किस को लगता है बिल्कुल उल्टा लिख दिया? क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में मसला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में मसला है बस, बाकी थर्ड तो कंप्लीट है। ओपन बुक, ओपन इंटरनेट होने के बावजूद गुड। तो इसीलिए जो है ना क्विज थोड़ा सा बनाया इस तरीके से था कि आप लोगों का माइंड सेट खुले, आप लोगों का सोचने का नजरिया थोड़ा सा ना खुले। इस तरीके से जब भी कोई सवाल का जवाब दे रहे हो ना उसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखो, यूनि डायरेक्शन सवाल नहीं आते आजकल। आजकल जो है सिंगल प्रोजेक्टर में, सिंगल डायमेंशन में कोई काम नहीं हो रहा, हर काम मल्टी डायमेंशनल हो रहा। तो कोशिश करो कि किसी भी सवाल का जवाब देते वक्त, किसी भी चीज़ों का जवाब देते वक्त आप कोशिश करें कि डायरेक्शन को जो है ना वो ठीक रखें अपनी ना। आप डायरेक्शन मल्टी डायमेंशन की चीज़ को देखेंगे ना आपको समझ में आएगा। हर चीज़ को प्रिज्म समझें, मल्टीपल जगहों से उस चीज़ को देखने की आदत डालें, मल्टीपल डायरेक्शन से क्वेश्चन को देखने की आदत डालें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपना पुराने लेक्चर पर, दैट इज़ परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमने परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे पहले ये समझा था कि वाई परचेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे। फिर हमने बात की थी प्रोक्योरमेंट फैक्टर की, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जिस में ज़हरा ने कहा था कि डिफाइन कर दें। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है नीड आइडेंटिफिकेशन से। अब ये जो इंडेंट बनती है ना कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है प्रोक्योरमेंट साइकिल के लिए। सबसे पहला, सबसे फॉरमोस्ट काम ये है कि आपको नीड आइडेंटिफाई हो जाए, कोई इंडेंट बना दे, कोई रिक्वेजिशन डाल दे आपके किसी डिपार्टमेंट में से कि यार मुझे इन चीज़ की ज़रूरत है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जब नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं या आपको नीड आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके बाद आप अपने सप्लायर को रिक्वेस्ट फॉर इंडेंट एंड कोटेशन भेजते हैं, यार इधर मुझे इंडेंट बना के दो। इंडेंट का मतलब हम जनरली प्रपोजल को कहते हैं कि यार जिस चीज़ में सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, कि यार ये प्रपोजल बना के दो कि ये सर्विसेज कैसे चलेंगी, या कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा पार्ट है जो कि मेक टू ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डिज़ाइन होता है, तो उसमें भी आप इंडेंट मंगवाते हैं कि आप बताएं आपके पास इस प्रोडक्ट को बनाने के क्या क्या तरीके हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं आप, SS की प्राइस दें, प्लास्टिक की प्राइस दें, सिलिकॉन की प्राइस दें। कोटेशन होता है ज़्यादातर सिंपल चीज़ों का कि जो प्री डिफाइंड होती हैं, जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल होती हैं, या जो सर्विसेज आप मल्टीपल टाइम्स ले चुके होते हो और आपको फिर से वो सर्विस लेनी होती है, तो इन चीज़ों के लिए जनरली कोटेशन बनती है। तो जो चीज़ें क्लियर होती हैं उनके लिए कोटेशन बनती है, जो थोड़ी अनक्लियर डाउटफुल या नीड मोर क्लेरिफिकेशन होती है उनके लिए आप इंडेंट बना दो। आपके पास मल्टीपल सप्लायर से इंडेंट एंड कोटेशन आ जाती हैं तो आप उनको वेरीफाई करते हो, रीचेक करते हो, डिस्कस करते हो, डिसाइड करते हो, और तो आप PO जनरेशन पे जाते हो कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर आइटम, दिस इज द PO, दिस आइटम नीड्स टू बी प्रोक्योर्ड बाय आवर कंपनी, सो प्लीज सेंड दिस आइटम। तो
इसके लिए आप उसको PO भेजते हो, एक तरह की कंफर्मेशन भेजते हो कि हाँ यार हम रेडी हैं आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, काइंडली जो है आप हमें प्रोडक्ट भेजो। उस PO के अंदर आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हो, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हो कि यार एडवांस क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी क्या होगी, आप अपनी कंडीशन लिख देते हो कि कितने दिन में पेमेंट करोगे, क्या क्या चीज़ें जब आप खरीद रहे होगे तो चेक करोगे वगैरह वगैरह। इसके बाद आप वेरिफिकेशन सर जी, अगर मैं इंटेंट और कोटेशन को मजीद मतलब इसकी डेप्थ में जाऊं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल न्यू ईयर पे कैलेंडर्स वगैरह प्रिंट होते हैं, ठीक है, तो हम इंटेंटिंग करेंगे उसके लिए कि अपने डिफरेंट वेंडर से हम डिफरेंट कोटेशंस भी लेंगे, फिर पेपर प्रिंटिंग क्वालिटी ये सब हम देखेंगे और उसमें से फिर हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा सप्लायर एक सिलेक्टेड है, ठीक है, मैं सीखूँ कि आप पिछले वाले पैटर्न भी पूरा मुझे कैलेंडर प्रिंट करके दे दें, उसके लिए हम जो कोटेशन शेयर करें तो वो जस्ट कोटेशन होगी जस्ट, मतलब अगर मैं मजीद डेप्थ में जाऊँ तो इस तरीके से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। स्पॉट ऑन, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ये जिस चीज़ में कन्फ्यूजन हो उसके लिए एंड पंगवाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, पुराना सप्लायर और पुराने सप्लायर को सिर्फ ये बोलना है कि यार अब 19 की जगह 20 छाप दो, 20 की जगह 21 छाप दो, तो आप या आप किसी सप्लायर को सैंपल भेजते हो और बोलते हो यार मुझे इस सैंपल को देखो और ये सैंपल के अगेंस्ट मुझे कोटेशन दे दो, ठीक है, और जब आपके पास सैंपल नहीं होता, आपको कुछ यूनिक चीज़ मंगवानी होती है, नई चीज़ मंगवानी होती है जिसमें डिफरेंशिएशन की जगह होती है, तो आप उसके इंडेंट मंगवाते हो कि आप बताएं आपके पास क्या क्या, तो वो आपको सैंपल भेजता है, सैंपल बुक भेजता है, आप चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, फिर आप उसमें चीज़ें को सेलेक्ट करते हो, फिर उसकी कोटेशन मंगवाते हो, हाँ ठीक है यार ये पेपर चाहिए, ये कलर चाहिए, इतने डिज़ाइन चाहिए, ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, फाइनल हो गया, आप इसकी कोटेशन भेजो। इंडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कोटेशन में कन्वर्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता लेकिन 50% ऑफ द टाइम इंडेंट कोटेशन में कन्वर्ट होता है। तुमने मुझे इतनी सारी चॉइसेस भेजी थी, इसमें से ये चीज़ें ठीक है, अब इसकी कोटेशन भी ओके सर। फिर आप जब आपके पास PO जनरेट हो जाता है, आप सप्लायर को भेज देते हो, सप्लायर उस PO के स्क्रीन शेयर भी आप कर रहे हैं या करेंगे, मतलब हमें शो नहीं हो रहा कुछ। थैंक यू, फिर आप जब PO जनरेट करवा देते हैं, PO जनरेट करवाने के बाद आप डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं, और डिलीवरी का वेट करने के बाद आप वेरिफिकेशन करते हैं डिलीवरी का, और इससे आप GRN जनरेट करते हैं, गुड्स रिसीव नोट। और इन गुड्स रिसीव नोट के बाद आप सब चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई करते हैं, और आप आखिर में पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं कि ऐसे सप्लायर ने अपनी सारी जो हमने उससे डिमांड्स की थी वो पूरी कर दी, नाउ इट शुड बी पेड, तो इसकी आप पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और फाइनेंस को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फिर मैंने जी तो GRN एक डॉक्यूमेंट बनता है, बेसिकली जब आपकी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में, आपके ऑफिस में, आपके जगह मतलब आपकी प्लेस पर रिसीव होती है ना, तो ऑफिशियली उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको GRN गुड्स रिसीव नोट कहते हैं। उस GRN के अंदर क्या क्या होता है कि क्वांटिटी जो रिसीव की, मटेरियल इंस्पेक्ट किया, इनिशियल इंस्पेक्शन में बिल्कुल ठीक था, पैकिंग बिल्कुल ठीक थी, तो आप उसको GRN बना के भेज देते हैं। ये इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होता है जो पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर लगते हैं, कि पेमेंट रिक्वेस्ट करने से पहले आपको फॉर्म कुछ चीज़ें जमा करानी होती हैं फाइनेंस को, उसमें एक GRN होती है कि आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ हमने XYZ प्रोडक्ट जो ऑर्डर की थी वो रिसीव कर ली। सर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वेदर और नॉट, मैं एक आध फॉर्म में था, वहाँ GRN उस वक्त फाइनलाइज होती थी जब प्रोडक्ट क्वालिटी से अप्रूव हो जाता था MTR के बाद, क्या ये मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि GRN हमेशा MTR के बाद ही, MTR रिलीज होने के बाद ही होगी? MTR मटेरियल का शॉर्ट फॉर्म है, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट ना, ठीक है। तो जब आप अगर देखो GRN बनाने का मकसद क्या होता है, या GRN का मकसद क्या होता है,
जे एन का मकसद है, जो फाइनेंस के पास डॉक्यूमेंट जाते हैं ना, फाइनेंस उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे पेमेंट रिलीज करता है, ठीक है। फाइनेंस को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि फिजिकली ये प्रोडक्ट कहाँ पड़ा है, किस हालत में पड़ा है, यूज हुआ नहीं हुआ। फाइनेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखता है और डॉक्यूमेंट्स की बेस पे उसको चेक इशू कर देता है। तो फाइनेंस के पास पहुँचने से पहले हर चीज वेरीफाइड होनी चाहिए, पीओ के ऊपर भी सब चीज, सब लोगों का जो भी उसके ऊपर स्टेक होल्डर है उनका साइन होना चाहिए। इसी तरीके से जी आर एन भी जब आप वेयर हाउस में चीज पहुंचा देते हो ना, वेयर हाउस अपनी साइन इन स्टैम्प करता है और इस बात को एक्नॉलेज करता है कि यस मैंने ये जो चीजें आपने मंगवाई थी ये रिसीव कर ली। इसलिए जी आर एन बनती है। जी आर एन का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी डिलीवरी की वेरिफिकेशन हो जाए। आपको जब पाकिस्तान पोस्ट वाला कोई या टीसीएस वाला कोई प्रोडक्ट कोई सामान देने आता है, तो सामान देने के बाद आपसे वो एक लेटर साइन कराता है या अपने रजिस्टर पर साइन कराता है, वो जी आर एन है कि हाँ मैंने जो ये चीज़ें भिजवानी थी ये एक्स वाई जेड बंदे ने रिसीव कर ली या उसके बिहाव पर किसी ने भी रिसीव कर ली। तो ये जो साइन करते हो ना, ये बेसिकली आप जी आर एन बना रहे हो गुड्स रिसीव नोट के, हाँ यार मैंने ये चीज़ रिसीव कर ली। तो सर जी आर एन मतलब ये सिर्फ से सिर्फ बायर ही बनाएगा? जी जी आर एन सिर्फ बायर ही बनाएगा? जी आर एन बायर बायर क्यों बनाएगा, कंपनी बनाएगी। बायर जो गुड्स रिसीव कर रहा है, मतलब जो भी गुड्स रिसीव कर रहा है वो बनाएगा, इसमें बायर सेलर का ताल्लुक नहीं है। बायर सेलर ने तो एक बार से निगोशिएट कर लिया, अब बायर ने सेलर को बोला कि अपनी प्रोडक्ट भेजो, सेलर वो प्रोडक्ट लेके बायर की प्रीमिसेस में आ गया। अब बायर की प्रीमिसेस का जो वेयर हाउस होगा, जो स्टोर होगा, जो बंदा रिसीव कर रहा होगा ना, वो जी आर एन बनाएगा। सेलर जो है वो पीआर के थ्रू जो है ना आपको ऑर्डर दे रहा होता है। सेलर जो है वो आपको, सेलर आपको सेलर को आप पीओ भेजते हो, पीओ जो है वो रिसीव करता है, उसके बाद सामान जमा करता है, फिर बायर के पास पहुंचाता है। जब बायर रिसीव करता है ना तो एक एक्नॉलेजमेंट देती है। वो देखो हर जगह ऐसा नहीं होता कि आपने सामान रिसीव किया और पैसे दे दिए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो ना कि सामान रिसीव करते कैश ऑन डिलीवरी है, तो जी आर एन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पैसे लिए कहानी ख़त्म। लेकिन सेलर ने बायर को सामान दिया और 30 दिन के क्रेडिट पर दिया या 30 दिन के बाद मैं पैसे लूँगा, 30 दिन तक उसके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना कि जो प्रूफ करे कि हाँ यार ये मैंने सामान डिलीवर किया था, वो डॉक्यूमेंट जी आर समझ आ गए आपके? जी सर। तो खैर मैं जी जी RFIQ means request for indent and quotation. मतलब आप सप्लायर को रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे आप बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल है तो किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में, किस प्राइस में अवेलेबल है, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट। ओके, तो इसके बाद सर आपके मैं प्रोफेशनल उससे खाली बोलूंगा, आपका कभी मतलब किसी भी पैकेजिंग के उससे वास्ता पड़ा? जी जी, पीपीई की पैकेजिंग से वास्ता पड़ा। किससे, कौन सी पैकेजिंग? पीपीई जो फिल्म होती है ना, बेसिकली जो पैकेजिंग के लिए यूज होती है, टैंक की पैकेजिंग के लिए, क्या जो बेसिकली पीपीई। और इसके अलावा कॉरोगेटेड कार्टून के सप्लायर से वास्ता पड़ा, 3-ply, 5-ply, 2-ply, CWC के कार्टन जो बनते हैं उनसे थोड़ा वास्ता पड़ा। मैं भी पैकेजिंग से ही रिलेटेड हूँ, बहुत पहले वास्ता पड़ा था पैकेजिंग से ना, अब तो इतना खास वास्ता पड़ता नहीं है पैकेजिंग वालों का, लेकिन पीपीई से काफ़ी काम किया है। जब प्रोडक्ट डेवलप करवा रहे थे ना क्राफ्ट की, खास तौर पर ये जो बबली की पैकेजिंग आप आज देखते हो ना, इसकी जो ओरिजिनल पैकेजिंग थी वो उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया। सर जी, सर एक सवाल था कि ये बजट कौन एलोकेट करता है, मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफिसर खुद अपर मैनेजमेंट से बजट पूछता है या फिर बताता है? बजट फॉर रॉ मटेरियल्स। अच्छा, तो वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त आपने सवाल किया। देखो साल के शुरू में ना आप एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हो, अगर आप एक फर्म हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, आप ईयर स्टार्ट पे एक
मीटिंग कॉल करती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं और सारे डिपार्टमेंट अपना अपना रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी प्रोजेक्शंस से, ठीक है। उस प्रोजेक्शंस को जब फाइनल करता है आपका सीईओ, उस फाइनलाइजेशन होने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट आपसे एक चार्ट मांगता है कि आप मुझे बताएं कि आपको किस किस महीने कितना कितना पैसा चाहिए होगा। सपोज आपने 1,000 टन की प्रोडक्शन प्रेडिक्ट कर दी कि हम इस साल जो है हम 1,000 टन प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, 1,000 टन प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कितने का आएगा? सपोज 5 करोड़ रुपए का आएगा। फाइनेंस कहता है कि ठीक है, 5 करोड़ रुपए अप्रूव हो गए बजट, अब आप हमें बताएं कि आप किस महीने कितने पैसे चाहिए। तो प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट बैठता है और फिर चेक करता है क्या साइकिल किया था, सप्लायर से किस तरह निगोशिएट होता है, ये 5 करोड़ रुपए का बजट जो है हमें किस किस महीने कितना कितना पैसा चाहिए होगा। हो सकता है फर्स्ट मंथ से 1,00,000 रुपए चाहिए, अगले मंथ आपको बाकी 99,00,000 चाहिए। आप सप्लायर को 1,00,000 रुपए एडवांस देते हो, बोलते सारा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बना के जब तू मुझे डिलीवर करेगा मैं तुझे बाकी पैसे उस वक्त दूंगा। तो आप बेसिकली फाइनेंस के साथ मिल के ये पूरा बजट कैलकुलेट करते हो, फिर बजट बनाते हो और फिर बजट के साथ रिसोर्स प्लानिंग भी करते हो कि मुझे पैसे किस किस वक्त कितनी कितनी अमाउंट चाहिए होगी। तो फाइनेंस बेसिकली बजट एलोकेट करता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर इनिशियल प्रोजेक्शन। ओके, सर मैं चला जाऊं सर, मुझे आधा घंटा लगेगा। पूरा सोफा गिर गया? नहीं सर, वो उठा के रख रही थी तो अंगूठे पे चोट लगी। जाओ भाई जाओ, मैं 2 मिनट में एंजॉय। तो अब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की, बिकॉज हम एक हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो इंपोर्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंपोर्ट के बारे में हम कहते थे कि चीज़ें आपके ज्यूरिसडिक्शन में आपके एरिया में लाई जाएं, स्पेशली अक्रॉस अ नेशनल बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आई हूँ और एक्सटर्नल सोर्स से खरीदी गई हूँ, तो ये इंपोर्ट की डेफिनेशन में आता है। एक इंपोर्टर बनने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? आपके पास NTN होना चाहिए, करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, STRN नंबर होना चाहिए और सर्टिफिकेट, मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, ठीक है। इम्पोर्ट प्रोसीजर LC की जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट साइकिल था वैसा ही है, बस के अंदर पेमेंट टर्म के लिए आपकी बैंक इन्वॉल्व होती है। अगर जो भी आप पेमेंट टर्म तय करते हैं, चाहे वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो LC हो, चाहे वो पेमेंट एट साइट हो, इन सब चीज़ों में आपकी पेमेंट करते वक्त बैंक इन्वॉल्व होती है और इंश्योरेंस कंपनीज जनरली इन्वॉल्व होती हैं आपकी प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए। तो इस तरीके से आप इम्पोर्ट प्रोसीजर कम्प्लीट करते हैं। हमारे पास पेमेंट टाइप्स जो थी या पेमेंट प्रोसीजर्स थे उसमें कैश इन एडवांस, ओपन अकाउंट, कंसाइनमेंट एंड LC था, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और LC की क्लियरेंस के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? सबसे पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एयरवे बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। परफॉर्मा इनवॉइस बेसिकली वो इनवॉइस होती है जिसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। पैकिंग लिस्ट आपको आपका जो सप्लायर है वो भेजता है, जब वो लोड करता है तो बताता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें लोड की हैं। एयरवे बिल इन केस ऑफ एयर फ्रेट एंड बिल ऑफ लेडिंग इन केस ऑफ सी फ्रेट होगा। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको चाहिए होता है जो कि सर्टिफाई करे कि हाँ यार ये जो चीज़ हम मंगवा रहे हैं ये बेस्ड इन उसी मुल्क की है जहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, या अगर वो किसी और मुल्क की है तो भी उसको क्लियर होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, आप बताते हो कि आप जो मटेरियल मंगवा रहे हो वो कोई हैजर्डियस नहीं, मतलब डिक्लेरेशन देनी होती है। हैजर्डियस मटेरियल की डिक्लेरेशन अलग होती है, नॉन हैजर्डियस की अलग होती है। अब आप कॉपर मंगवा रहे हो तो आपको COA भेजना है कि हाँ मैंने जो चीज़ भेजी है वो कॉपर ही है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपर के नाम पर गोल्ड भेज दिया, गोल्ड के नाम पर सिल्वर भेज दिया, क्योंकि सब चीज़ों के टैक्सेस डिफरेंट है। कला जमाल साहब, परफॉर्मा इनवॉइस और सेल टैक्स इनवॉइस बिल्कुल डिफरेंट है। सेल्स टैक्स इनवॉइस बेसिकली पाकिस्तान के अपने लॉ में इस्तेमाल होती है और परफॉर्मा इनवॉइस एक इंटरनेशनल इनवॉइस है, जो कि आप कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे होगे तो वो परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। सेल्स टैक्स इनवॉइस जो जनरेट होती है ना वो पाकिस्तान के अपने लॉ के अंडर जनरेट होती है, मीन्स पाकिस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी से खरीद रहे हो तो वो आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस देगा, और अगर आप इंटरनेशनली किसी से खरीद रहे हो तो वो परफॉर्मा इनवॉइस देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई और क्वेरी है? जी जी
सर ये जो लास्ट आपने परफॉर्मेंस इनवॉइस वाली स्लाइड है बहुत क्विक की है सर, इसको रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा बेसिकली ये लास्ट क्लास की इनवॉइसेस से मैं थोड़ी क्विक की मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एलसी अगर आपने लेटर ऑफ क्रेडिट में किसी से कोई प्रोडक्ट मंगवाई है तो आपको इन चार डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी एट पोर्ट जब आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस जनरेट होती है आपके आपने जिससे परचेज किया है, जो आपका सेलर है वो जनरेट करता है और उसमें वो सारे खर्चे इंक्लूड करता है कि जो हुए होते हैं, मतलब आपने प्रोडक्ट परचेज की उसके साथ जो लॉजिस्टिक लगी जो भी आपके तय बातें हैं वो सारी उसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। फिर आती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट बेसिकली आपका जो सेलर है वो आपको एक लिस्ट बना के देता है कि जो चीज़ें मैं भेज रहा हूँ उस पैक के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड चीज़ें जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब वो पैकिंग लिस्ट में लिख के देता है। फिर आता है एयरवे बिल या बिल ऑफ लेडिंग। जब वो प्रोडक्ट प्लेन के जरिए या समंदर के जरिए भेजी जाती है जो जब लोड हो जाती है तो एक एयरवे बिल या बिल ऑफ लेडिंग जनरेट हो जाता है कि यार ये चीज़ इस प्लेन में इस फ्लाइट पे या इस शिप में इस शिपमेंट में इस कार्गो में लोड हो गई है, तो एक बिल ऑफ लेडिंग कटता है उसका या एयरवे बिल कटता है जो कि आपको आपका बायर भेज देता आपका आपका सप्लायर भेज देता है कि ये चीज़ें आपकी लोड हो चुकी हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भेजता है कि यार अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट मंगवाई है तो ये प्रोडक्ट ऑफ चाइना ही है, या अगर आपने चाइना से जर्मनी की प्रोडक्ट मंगवाई है तो ये मेड इन जर्मनी है। इसी तरीके से एक COA आता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। जब आप कोई मटेरियल मंगवा रहे हो तो उसका COA भी भेजना ज़रूरी होता है कि वो सर्टिफाई करता है कि जो मटेरियल भेजा जा रहा है तो किस ग्रेड का है, क्या क्वालिटी है और उसी स्पेसिफिकेशन का है या नहीं कि जो आपने मंगवाई थी, ठीक है। सर ये थोड़ा सा दोबारा सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस सर ये दोबारा जी एक मिनट अभी सब मैं पूछता हूँ। जी जरा जीडी भी तो हम मंगाते हैं ना, क्या मंगवाते हैं? जीडी जीडी क्या होता है? गुड्स डिलीवरी नोट होता है, गुड्स डिक्लेरेशन होता है। हां डिक्लेरेशन होता है, लेकिन जो आजकल रिपोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन की जगह COA पे ध्यान देता है। अगर डिक्लेरेशन तो आप कर देते हो लेकिन COA अगर नहीं लगा हुआ तो COA के बगैर वो प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती, फिर वो इंस्पेक्शन में चली जाती है। सही। और सर जब ये लाइक हम जैसे परचेजिंग अक्सर औकात करते हैं तो जीडी हमारा फाइनेंस मांगता है, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ टर्म्स हैं वो उसको हाइड करके हमें वेंडर सबमिट करता है, तो वो हाइड क्यों करता है उसकी टर्म्स? वो हाइड इसलिए करता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जो वो डिक्लेयर कर सके, ठीक है ना। वो बाय सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में इसीलिए COA मांगा जाता है कि जीडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, हाइड कर दी जाती हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आप कोई नहीं छुपा सकते, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको सब कुछ बताना पड़ता है। तो ये आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट में ऐसे क्या चीज़ें हैं कि जिन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा या जो पहले से इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी या जो पाकिस्तान के लॉ में शामिल नहीं है मंगवाना, तो उनको वो हाइड कर देता है। तो सर गुड्स डिक्लेरेशन में इससे क्या कस्टमर ये पता कर सकता है कि वेंडर कितना प्रॉफिट इस चीज पे ले रहा है? नहीं, प्रॉफिट तो आप कभी भी नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो सर ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो फिर वेंडर को जरूरत पड़ती है कि वो हाइड करे जो कस्टमर को दिखाना नहीं चाह रहा? कस्टमर को दिखाने का मसला नहीं होता, मसला होता है पाकिस्तान के लॉ के अंदर बड़ी ट्विक्स एंड टर्न्स हैं और बड़ी मुश्किल चीजें हैं कि आप जो है वो समझ सकें, ठीक है ना। जिस तरीके बिलाल मोहसिन ने लिखा कि ओरिजिनल प्राइस हाइड कर देते हैं जीडी, अब ओरिजिनल प्राइस और नेगोशिएटेड प्राइस में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो वो ओरिजिनल प्राइस जीडी ओरिजिनल प्राइस की बनती है लेकिन नेगोशिएटेड प्राइस पर आपको वो मिलती है, वो नेगोशिएटेड प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। हो सकता है ओरिजिनल 10 रुपये का हो, आपने नेगोशिएट 12 रुपये का किया हो, तो या आपने ओरिजिनल 10 रुपये का और आपने नेगोशिएट 8 रुपये का किया, तो आपको तो 8 रुपये से मतलब है ना, वो 10 का था या 15 का था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नवीद साहब आप बताइए। सर मुझे वो आपकी लास्ट वाली जो स्लाइड थी ना उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जांपल आपने अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, अगर जैसे अगर इसमें हम इस तरह हो कि कोई कंपनी नहीं मंगा रही है, जैसे अलीबाबा है, आप अलीबाबा के ऊपर एग्जांपल इसको फिट करके बताएं ना, अगर मुझे कोई चीज़ मंगानी है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी?
अली बाबा से आप जब मंगवा रहे हो ना दोस्तों, आप एलसी के टर्म्स में नहीं मंगवा रहे, ठीक है ना, ये वो डॉक्यूमेंट हैं। तो आप जो आप किसी से एलसी के टर्म्स में मंगा रहे हो लेटर ऑफ क्रेडिट, अली बाबा पर तो आप एडवांस पेमेंट पे मंगवाओ। अली बाबा से आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो क्रेडिट कार्ड पर पहले आपके जो है क्रेडिट कार्ड स्वैप करता है, फिर चीज़ भेजता है, ठीक है ना। तो अली बाबा से जब चीज़ें मंगवा रहे हो तो इन सब चीज़ों में से किसी की ज़रूरत नहीं है, वो पेमेंट इन एडवांस में मंगवा रहे हो। लेकिन जब एलसी पे लेटर ऑफ क्रेडिट पे कोई चीज़ें मंगवाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि जो चीज़ें आपने मंगवाई हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू जो स्पेसिफिकेशन है वो दिए हैं, उसके हिसाब से दिए नहीं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने एलसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, और एलसी के अंदर जब आप स्टेट बैंक एक एलसी इशू करता है ना तो उस एलसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका इनकोटम, और दूसरी बात होता है उसका एचएस कोड। क्या किस एचएस कोड के अगेंस्ट आप मंगवा रहे हो? सपोज अब एचएस कोड क्या होता है, एचएस कोड बेसिकली एक कोड है जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड एक बुक है पूरी कोड्स की, जो कि आइडेंटिफाई करती है कि ये मटेरियल क्या है। सपोज लकड़ी का दरवाज़ा है ना, तो लकड़ी के दरवाजे का एचएस कोड अलग है, लकड़ी का एचएस कोड अलग है। तो आप अगर लकड़ी का दरवाज़ा मंगवा रहे हो तो उसका अलग एचएस कोड डलेगा, और लकड़ी मंगवा रहे हो सिर्फ रॉ लकड़ी तो उसका अलग एचएस कोड डलेगा। तो जब आप किसी इंटरनेशनल कंपनी से डील करते हो और आप कोई चीज़ मंगवाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि जो चीज़ आपने मंगवाई है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है, और अकॉर्डिंग टू एलसी है जो कि इशू हुई। तो इसके लिए आपको इन चार डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें प्रोफोमा इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, एयरवे बिल है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जब आप अली बाबा से कोई चीज़ मंगवाए होते हैं तो वो सिर्फ आपको एक फाइनल इनवॉइस देता है, इसके अंदर ये सब चीज़ें लिख देता है कि क्या चीज़ मंगवाई, कितने की मंगवाई, कितना इस पर फ्रेट पड़ा, एंड दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल है, एफडीआर का क्या रोल है इसका? एफडीआर का सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफडीआर का इंपोर्ट से वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। आप जितना भी इंपोर्ट करो उस पे जो टैक्स होता है ना वो अकॉर्डिंग टू एचएस कोड होना चाहिए। एफडीआर पे ये कि आपने अगर लकड़ी इंपोर्ट की है उस पर 70% ड्यूटी है, और अगर आपने लकड़ी का दरवाजा इंपोर्ट किया है तो उस पर 15% ड्यूटी है। तो अगर आप सही ड्यूटी सही जगह दे रहे हो, सिर्फ ये रोल है। आपने गलत एचएस कोड नहीं डलवाया, आपने एचएस कोड में कोई हेरा फेरी नहीं की है, और आपने अकॉर्डिंग टू लॉ मंगवाया है। इसको मॉनिटर करना है, और इसको वो वीबॉक के ज़रिए मॉनिटर कर लेते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हो तो आपको वो सारा डेटा वीबॉक पे डालना होता है, वीबॉक से वो प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो वीबॉक एक ऑनलाइन पोर्टल है, इससे एफडीआर सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही है। सर अगर आप रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इंपोर्ट करा सकते हैं बाहर से? बिल्कुल करा सकते हैं, फिर आपको किसी इंपोर्ट जो फॉरवर्डर होता है उसकी मदद लेनी पड़ती है। वो फॉरवर्डर आपके बिहाफ पे सारा खर्चा सारी चीज़ें पे करते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में फॉरवर्डर की जो पड़ी थी ना वो बेसिकली फॉरवर्डर आपका सारा काम कर देता है। वो आपको इम्पोर्ट भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, आपको उसको यहाँ पी के आर में पे करना होगा, जो भी इनवॉइस पेमेंट कर देगा। सर जो लोग नॉर्मल इंपोर्ट करवा रहे होते हैं और जो मेंबर होते हैं एफपीसीसीआई के, उनमें क्या फर्क होता है? देखो नॉर्मल मेंबर अगर बगैर रजिस्ट्रेशन के इंपोर्ट करा रहा है ना तो उसका सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि वो सेल टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। जो भी सेल टैक्स उसने पे किया है 17% 18% जो भी वो पे कर रहा है वो उसको क्लेम नहीं कर पाएगा, वो सारा उसकी कॉस्ट पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप मेंबर हो और आपने अपनी अपने इनवॉइस पे अपनी कंपनी पे नहीं, सेल्स टैक्स इनवॉइस अलग है तला साहब, सेल्स टैक्स अलग है। आप पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करा रहे हो ना तो चाइना के सप्लायर को इस बात से गर्व नहीं है कि आपने पाकिस्तान में कितना सेल्स टैक्स पे करना, वो आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भेज देगा कि ये प्रोडक्ट थी, ये चीज़ थी, इतने की भेजी, दैट्स इट। पाकिस्तान में जब वो प्रोडक्ट पहुँचती है ना तो पाकिस्तान का लॉ जो है ना वो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपसे सेल्स टैक्स चार्ज करता है। आप जब उस प्रोडक्ट को रिलीज कराने जाते हो ना तो उसका सेल्स टैक्स चार्ज करता है। ये सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं जनरेट होती, सिर्फ सेल्स टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप एक मेंबर हो एक मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स के, और आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के लॉ कोई चीज़ मंगवा रहे हो ना, तो आपको ये प्रिविलेज मिल जाती है कि आपने जो सेल्स टैक्स उस प्रोडक्ट को रिलीज कराते हुए भरा होता है ना
वो आप क्लेम कर सकते हो आगे अपने किसी भी इनवॉइस पे। सर ये आपने फॉरवर्डर की बात की थी, ये आप ये जो होते हैं अपना क्लियरिंग एजेंट्स इनकी बात कर रहे थे? क्लियरिंग एजेंट एक छोटा पार्ट है, फॉरवर्डर एक बड़ा है। फॉरवर्डर जो है ना वो एक बड़ा बिजनेस है जिसके अंडर क्लियरिंग एजेंट्स आते हैं। वो क्लियरिंग एजेंट की तो जरूरत हर कंपनी को पड़ती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो चाहे वो छोटी से छोटी हो, क्लियरिंग एजेंट की जरूरत तो उसको पड़ेगी जो कि आप हाफ पे क्लियर करवा रहा हो। लेकिन फॉरवर्डर के आपने सपोज एक फॉरवर्डर को कह दिया, कह रही है ये प्रोडक्ट है ये मुझे यहाँ मंगवा के दो मैं तुम्हें PKR में पे कर दूंगा, तो वो फॉरवर्डर आपके अगेन आपके आपके बिहाफ पे सप्लायर से भी बात कर रहा होता है, निगोशिएट भी कर रहा होता है, उसके लिए लॉजिस्टिक्स भी अरेंज कर रहा होता है, इंश्योरेंस भी अरेंज कर रहा होता है, क्लियरिंग भी कर रहा होता है, सब चीजें का। फॉरवर्डर फोर पी एल में आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा 4PL। सर कंपनी सब आपको रिटर्न क्यों नहीं करवाती है अपना पैसा बचाने के लिए, मतलब वो टैक्स जो नहीं पे कर रही होती है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो इसलिए? नहीं जनरली इसलिए नहीं होता, जनरली जब आप एक STRN रजिस्टर्ड कंपनी बन जाते हो ठीक है ना, तो आपको अपनी सारी सेल्स एट एक्चुअल शो करनी पड़ती है, और फिर आपको जब कस्टमर को चीज़ें बेच रहे हो ना तो आपको इनवॉइस भी सेल्स टैक्स जनरेट करनी होती है, ठीक है ना। आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, एक लॉयर हायर करना पड़ता है जो साल के एंड में आपकी सेल्स टैक्स को जमा करे, गवर्नमेंट को ठीक ठीक पता, फिर आपको एक फर्म को हायर करना पड़ता है जो कि आपका ऑडिट करे, ऑडिट की रिपोर्ट जमा कराए कि हाँ यार बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल मार्केट में आप जाते हो कभी भी कोई चीज़ परचेज करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम को आपको पर्ची भी बना के नहीं दे रहा होता, सेल्स टैक्स इनवॉइस तो बहुत दूर की बात है, आप प्रोडक्ट खरीदते हो पैसे देते हो दैट्स इट। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने ये सारा सेल्स टैक्स जो है ना अपनी कॉस्ट में शामिल कर लिया, 100 रुपये की चीज़ मंगवाई 17 रुपये सेल्स टैक्स दिया 117 रुपये, 20% मार्जिन रखा, 150 की आपको बेच दी, तो उसको कोई गर्ज नहीं है कि सेल्स टैक्स कहाँ गया। देखो सेल्स टैक्स तो उसके बिहाफ पे कोई ना कोई भर रहा है, लेकिन नुकसान इसका कस्टमर को हो रहा है कि कस्टमर को सेल्स टैक्स जो है बगैर इनवॉइस के, अगर मैं सेल्स टैक्स की कोई चीज़ परचेज करता हूँ और मैं जो है आगे जाकर उसको क्लेम करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो अपनी ओरिजिनल इनकम छुपाने के लिए, अपने ओरिजिनल रेवेन्यू छुपाने के लिए, अपने आप को टैक्स स्लैब से बाहर निकालने के लिए और टैक्स स्लैब में ना डालने के लिए लोग ये हरकतें करते हैं। तो सर ये इलीगल है ना? बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक पूछें तो इलीगल। सर जो ये मेंबर होते हैं चैंबर के, फिर ये लीगली काम नहीं कर सकते? नहीं, मेंबर हैं चैंबर के वो तो लीगली ही काम करेंगे ना, वो इलीगल क्यों करेंगे? अपने बिजनेस का कितना पोर्शन जेन्युइन रखना है कितना पोर्शन नॉन जेन्युइन रखना है ये इनके लॉयर्स उनको बता रहे होते। सर और मेंबर बनने के लिए क्या करना होता है? मेंबर बनने के लिए आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करानी होती है, BCI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनना पड़ता है, फिर वो आपका पूरा पोर्टफोलियो इवेल्यूएट करते हैं, फिर आपकी ऑडिट करवाते हैं, फिर आपको चैंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है सर, टैक्स और ड्यूटी में डिफरेंस क्या है? अगर कोई हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी क्या चीज़ है उसके ऊपर, क्या टैक्स? ड्यूटी बेसिकली पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो इम्पोर्ट पे डिफरेंट ड्यूटीज चार्ज करता है। आपने ये जैसे सपोज पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट बन रही है, एक पेंसिल है जो पाकिस्तान में बन रही है ठीक है, बट आप उसको इम्पोर्ट करते हो तो आप बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको डिग्रेड कर रहे हो, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट आपसे एक पेनल्टी एक ड्यूटी के फॉर्म में चार्ज करती है कि ठीक है आपको अगर ये चीज़ इम्पोर्ट करनी आप 100% ड्यूटी दें तो आप इम्पोर्ट कर सकेंगे, आप 100% ड्यूटी नहीं देंगे तो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकेंगे। और सर ड्यूटी के परसेंट किस तरीके से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपीज की पैसे खरीद रही हूँ तो मतलब मुझे 100 रुपीज। हर प्रोडक्ट की ड्यूटी डिफरेंट होती है, हर प्रोडक्ट की ड्यूटी डिफरेंट है, वो प्रोडक्ट की ड्यूटी डिपेंड करती है उसके HS कोड पे जो कि आपने VBOC में रख डाला होता है। तो सर लाइक 100% ड्यूटी तो 100% प्राइस के लिहाज से 100% ड्यूटी होगी? 100% परफॉर्मा इनवॉइस की जो प्राइस है उसमें जो प्राइस लगी हुई है उसके मुताबिक ड्यूटी होगी। ठीक है, तो सर जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन ही नहीं रही तो उसके ऊपर तो फिर ड्यूटी नहीं होगी ना, मतलब
उस पे तो कोई पेनल्टी उस लिहाज से नहीं लगनी चाहिए, वो है ही नहीं पाकिस्तान। ये तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाके समझाएं, बेसिकली जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बने ना उस पे ज्यादा ड्यूटी, उल्टा ऐसा क्यों सर? नहीं, क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, ये तो लॉ ऑफ पाकिस्तान। सही। अच्छा सर, एक चीज पे ड्यूटी पे हो गई, अब उस पे टैक्स भी पे होगा जब वो आगे सेल होगी? ड्यूटी भी पे होती है, टैक्स भी पे होता है, एडिशनल ड्यूटी भी पे होती है। एडिशनल गवर्नमेंट ही लगाएगी? जी, मतलब जो आगे जो बंदा खरीद रहा है वो ड्यूटी देगा, उसको आप एडिशनल ड्यूटी कह रहे हैं? नहीं, आप जब इम्पोर्ट करते हो ना, ड्यूटी की भी कुछ टाइप्स हैं, ड्यूटी एक एडिशनल ड्यूटी, ड्यूटी भी लगती है, फिर फर्दर सब कैटेगरी की ड्यूटी भी लगती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको इम्पोर्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा पाकिस्तान में, ये पूरा अलग कोर्स है। लेकिन आपसे ये अब्दुल समी साहब, सेल टैक्स रिफंडेबल होता है? बिल्कुल होता है। आपने एक जगह सेल टैक्स भर दिया, अब आप उसको बेचते वक्त जो सेल टैक्स क्लेम करते हैं वो रिफंड करते हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा ड्यूटी आरडी। ये बिलाल मोहसिन ने कहा कि आरडी लगती है, बिल्कुल लगती है। जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, अब वो किस फॉर्म में मैन्युफैक्चर होती है इस बात से गर्ज नहीं। लकड़ी का दरवाजा आपने इम्पोर्ट किया और उसकी क्वालिटी क्या है, इस चीज़ें। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है और उसका आपने उसको आपने इम्पोर्ट किया, तो पहले आप ड्यूटी भरेंगे उसकी, और फिर आप उसकी एक एडिशनल ड्यूटी आरडी भरेंगे। अरे ये सब लैंडेड कॉस्ट कहलाती है ना, जब हमारे पास कोई भी चीज़ प्रोक्योर हो रही होती है, सारी चीज़ें जमा करने के बाद, ड्यूटी, टैक्सेस, लॉजिस्टिक्स, ये सब जमा करने के बाद जो आप फाइनल इनवॉइस बना रहे होते हैं ना, वो लैंडेड कॉस्ट कहलाती है। यस सर, ये जो कस्टम ड्यूटी और टैरिफ कितनी चीज है क्या? क्या कह रहे हैं सर, कस्टम ड्यूटी और टैरिफ ये डिफरेंट है या एक ही चीज? कस्टम ड्यूटी अलग है, टैरिफ का मतलब तो खर्चा है, वो जो आपने जो टैरिफ पे किया उसको लाने के लिए यहाँ पाकिस्तान में, या यहाँ से छुड़ाने के लिए जो टैरिफ पे किया वो एक अलग चीज़ है। कस्टम ड्यूटी एक सेपरेट जॉनर है जो कि उस प्रोडक्ट के हिसाब से लग रहा है। सर, ये जो FTCI मेंबर्स को अवार्ड मिलते हैं, ये किस बेस पे मिलते हैं? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स? पता नहीं भाई, वो एक टारगेट दिया होता है उनको पाकिस्तान ने। क्या जैसे आप देखते हो ना, आज पाकिस्तान की ज़र मुबादला इतनी बढ़ गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी चली गई, इम्पोर्ट इतनी कम हो गई, अगर वो टारगेट्स अचीव करते तो उनको उसका अवार्ड। अच्छा, परफॉर्मर इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस में क्या फ़र्क होता है? दोस्त अब्दुल्ला, बहुत अच्छा सवाल किया, अगर आप ये सवाल नहीं करते तो मैं अगली दफ़ा एक क्विज में दे देता। खैर, परफॉर्मर इनवॉइस बेसिकली वो फाइनल इनवॉइस को कहते हैं। ज़्यादातर कमर्शियल इनवॉइस और परफॉर्मर इनवॉइस में ये फ़र्क होता है कि कमर्शियल इनवॉइस में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती, और परफॉर्मर इनवॉइस में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट शामिल होती। अब अगर आपका आपके सप्लायर के साथ ये नेगोशिएटेड है कि जो प्राइस वो दे रहा है उसमें लॉजिस्टिक्स इनकॉर्पोरेटेड है, तो फिर आपकी कमर्शियल इनवॉइस और परफॉर्मर इनवॉइस सेम होगी। मींस अब्दुल्ला साहब ने बिलाल साहब से बात की कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, आप कितने की दोगे? बिलाल साहब ने अब्दुल्ला साहब को बोला गाड़ी 1,00,000 रुपये की दूँगा। अब्दुल्ला साहब ने कहा ठीक है, मैं 1,00,000 रुपये में आपसे गाड़ी खरीदने को तैयार हूँ, बट आप ये गाड़ी जो है ना मुझे अपने घर तक पहुँचा के देंगे। अब मोहसिन साहब कहते हैं ठीक है बिलाल साहब के ये गाड़ी 1,00,000 रुपये में मैं आपके घर तक पहुंचा करूँ। इस सिनेरियो में परफॉर्मर इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस सेम होंगे। लेकिन अब्दुल्ला साहब ने बिलाल साहब को कहा कि पहले मुझे आप गाड़ी की कोटेशन दें, गाड़ी की इनवॉइस दें, गाड़ी खरीद ली उसी कमर्शियल इनवॉइस जनरेट हो। अब अब्दुल्ला साहब ने बिलाल साहब को कहा कि यार मुझे इसको मेरे घर तक भी पहुँचाना है, तो बिलाल साहब कहते हैं इसके 10,000 रुपये अलग से चार्ज हो। तो कमर्शियल इनवॉइस 1,00,000 रुपये की बनेगी और परफॉर्मर इनवॉइस 1,10,000 रुपये की बनेगी। ये है बेसिक डिफरेंस परफॉर्मर इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस का। परफॉर्मर इनवॉइस में सारे खर्चे शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलसीएस की। तो पोर्ट तक गाड़ी ले आएगा ना, वो सबके घर में तो गाड़ी नहीं पहुंच रहा है। नहीं, वो डिपेंड करता है। आपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहाँ तक की मांगी। आप कहोगे यार चाइना से पाकिस्तान तक की लॉजिस्टिक्स दे दो, तो भी वो दे सकता है। सर, जब भी CKD आती है या कोई भी ऑटो इंडस्ट्री, तो वो तो पोर्ट पे आती है। नहीं, पोर्ट तक आ गई ना, पोर्ट तक आने के भी तो कोई खर्चा हुआ होगा, उसके पोर्ट से आपके पोर्ट तक का खर्चा वो परफॉर्मर इनवॉइस में शामिल। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ LCs की। अच्छा, LCs की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट हम इसमें बहुत मेजर टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जनरली यूज होती हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहली और सबसे ज़्यादा
हैवीली यूज होने वाली कि इरिवोकेबल एलसी। इस एलसी में सेलर की कंसेंट के बगैर बायर कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। बायर ने एक दफा इशू कर दी ना, अब जब तक सेलर का कंसेंट शामिल नहीं होगा ना, सेलर से पूछ नहीं लिया जाता ना, आप इस एलसी को चेंज नहीं कर सकते। ये इरिवोकेबल एलसी है। इसका ऑपोजिट, सेलर के कंसेंट के बगैर आप कोई चीज चेंज कर दें उसमें कोई टर्म। अच्छा, चेंज का मतलब कभी भी दोस्तों अमाउंट नहीं होता, अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होती। अमाउंट तो देखिए, उसने कमर्शियल इनवॉइस भेजी, आपने उसके अगेंस्ट एलसी बना दी। अब आप अमाउंट तो जी किसी भी सूरत में रिवोकेबल में भी नहीं चेंज कर सकते, इरिवोकेबल में भी चेंज। लेकिन रिवोकेबल में आपने एचएस कोड चेंज करना है, डिलीवरी टाइम चेंज करना है। सपोज आपने एक एलसी जनरेट की, तो एलसी ना टाइम बाउंड होती है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना टाइम बाउंड होती है। वो प्रोडक्ट आने में डिले हो गई। अब आपको समझ में आ गया है कि प्रोडक्ट जो है 3 महीने के अंदर पाकिस्तान के पोर्ट पर नहीं पहुंच सकती, उसको 2 महीने की एक्सटेंशन चाहिए। अगर वो इरिवोकेबल एलसी है तो सेलर के कंसेंट के बगैर वो एलसी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो रिवोकेबल है तो आप सेलर के कंसेंट के बगैर उसकी जो एक्सपायरी है आप बढ़ा सकते हो। तो रिवोकेबल और रिवोकेबल में बेसिक फर्क ये होता है कि आप रिवोकेबल में कुछ टर्म्स को बगैर सेलर के कंसेंट के चेंज कर सकते हो। सर, हम कंसेंट कैसे लेते हैं, ईमेल पे या वर्बल? ईमेल पे, मतलब बेसिकली कंसेंट लेने के लिए आपको उसके बैंक से कंसेंट लेना होता है। तो ये बैंक टू बैंक कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है ना, उनमें कंसेंट लिया जाता है। आखिरी चीज़ होती है ईमेल। बैंक टू बैंक डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लेकिन आखिरी चीज़ होती है ईमेल। कि आप ईमेल पे कंसेंट ले लें कि भाई मैं आप ये अमाउंट चेंज कर दूं, या ये टाइम चेंज कर दूं, या ये इनको टर्म चेंज कर दूं, तो वो ओके करेगा तो आप करें, ठीक है। अब आता है स्टैंड बाय एलसी, ठीक है ना। स्टैंड बाय एलसी में ये बैंक गारंटी होती है एक तरीके की, कि एलसी को ऑनर करेगा बायर का बैंक अगर बायर ने ऑनर नहीं की। सप्लायर कभी कभी स्टैंड बाय एलसी मांगता है कि यार मुझे बायर पे भरोसा नहीं, कोई एक बैंक भी इसकी गारंटी दे तब मैं ये सामान इसको दूंगा। ऐसे सिनेरियो में बैंक गारंटी देता है कि अगर बायर ने एलसी इशू होने के बाद, सामान आने के बाद पैसे नहीं दिए, टाइमली रिलीज नहीं कराया, तो बायर के बिहाफ पे बैंक कर देगा। ये सप्लायर को गारंटी देता है। एलसी के अंदर इन चीज़ों को ऐड करने का मकसद क्या होता है? सप्लायर और बायर के अंदर मोटिवेशन, इंश्योरेंस और कमिटमेंट ऐड करना, ठीक है ना। अभी तक हमारे दिमाग में बायर और सप्लायर का कॉन्सेप्ट यही था कि आप गए, आपने बात की, उसने मान ली, सामान आ गया। लेकिन जब आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये बात कर रहे हो, तो डिफरेंट स्कोप में ये बात कर रहे हो, तो ये बात इस तरीके से होती नहीं है। जनरली इसके अंदर सप्लायर और बायर के दरमियान कोई ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होता, और सप्लायर और बायर बेसिकली एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो इस सूरत में आप एलसीज को इनकॉर्पोरेट करते हो, और एलसीज की डिफरेंट टाइप इनकॉर्पोरेट करते हो। अच्छा, फिर आता है कन्फर्म्ड एलसी। स्टैंड बाय एलसी में बायर के बैंक ने ऑनर कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ सिनेरियोज में बायर के बैंक का और सप्लायर के बैंक का ताल्लुक नहीं होता। मतलब बायर ने जिस बैंक को रिकमेंड किया और सप्लायर ने जिस बैंक को रिकमेंड किया, वो दोनों एक दूसरे से किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ताल्लुक में शामिल नहीं। अब ताल्लुक ना होने का मतलब ये नहीं है कि जैसा ताल्लुक आपका आपके घर वालों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, इस ताल्लुक की बात नहीं। बात ये हो रही है कि डिफरेंट बैंक्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है ना। वो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में आते हैं कि हाँ यार, जैसे बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वो बैंक ऑफ ओमान, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ बैंकॉक, इन सब से कॉन्ट्रैक्ट में है कि हाँ यार हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन कुछ सिनेरियोज में बैंक्स का भी आपस में ताल्लुक नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको एक कंफर्मिंग बैंक लाना पड़ता है। बेसिकली उस कंफर्मिंग बैंक का उन दोनों बैंक से ताल्लुक होता है। तो कन्फर्मिंग बैंक एक और इंटरमीडियरी ऐड हो जाता है। पहले आए दो इंटरमीडियरी बायर और सप्लायर, फिर आए दो इंटरमीडियरी बायर और सप्लायर के बैंक, ये हो गए चार लोग। अब आता है पांचवा आदमी जो कि इंटरमीडियरी कहलाता है, और इंटरमीडियरी इस बात को कंफर्म करता है कि यस, मैं इन दोनों बैंक्स को जानता हूँ, और फिर वो सेलर को इंश्योरेंस देता है कि अगर बायर और बायर का बैंक इस बात को एडोर नहीं कर सका जो चीज़ें आपने भेजी है, तो कन्फर्मिंग बैंक इस बात को एडोर करेगा। कन्फर्मिंग में एक लायबल होगा इनकी पेमेंट करने के लिए, ठीक है।
अच्छा इसके बाद आता है अनकंफर्म एलसी। अब अनकंफर्म एलसी में पांचवा आर्बिट्री शामिल है, ठीक है, कंफर्मिंग बैंक शामिल है, बट कंफर्मिंग बैंक लायबिलिटी नहीं लेता, कंफर्मिंग बैंक से रिलेशनशिप बना देता है कि हाँ बायर के बैंक को भी जानता हूँ, सप्लायर के बैंक को भी जानता हूँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं करता इस एलसी को, मैं सिर्फ इस बात को कंफर्म करता हूँ कि यस मैं बायर के बैंक को जानता हूँ, सप्लायर के बैंक को जानता हूँ, लेकिन अगर कोई मिसअप हुआ तो आप बायर के बैंक से डायरेक्ट ताल्लुक करेंगे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ आपको एक रूट बना के दे रहा हूँ कि यस मैं इन दोनों को जानता हूँ। फिर आती है ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी जनरली उन सिनेरियोज में बनती है कि जब आप जिससे निगोशिएट कर रहे हो वो किसी और का, किसी पेरेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर हो, ठीक है, और जब आप एलसी इशू करने जाते हो तो आपको आपका निगोशिएटिंग पार्टी कहती है कि ठीक है आपको ये प्रोडक्ट चाहिए बट मैं इस प्रोडक्ट का सप्लायर नहीं हूँ, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो एलसी काइंडली जो है ना वो जनरेट कीजिएगा मेरी पेरेंट कंपनी के नाम पे। जब आप एलसी मुझे देंगे ना तो मैं उसको पेरेंट कंपनी को दे दूँगा, क्योंकि मेरा तो बीच में 2.5% का मार्जिन है, 2.5% का रोल है, जो इस एलसी में टैक्सेस और लायबिलिटीज लग रही हैं वो ना मेरी मेरे सिनेरियो में आती है ना मेरे केस में आती हैं। तो आप एलसी बनाइएगा मेरी पेरेंट कंपनी के नाम पे, दे आप मुझे दीजिएगा, मैं पेरेंट कंपनी को दे दूंगा, ऐसी एलसीज ट्रांसफरेबल एलसी कहलाती हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेट्रा की एग्जाम्पल दी थी जिससे हम एयर कंडीशनर ले, तो पेट्रा का जो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम है फोर्टे पाकिस्तान। हम फोर्टे पाकिस्तान से निगोशिएट करते हैं, फोर्टे पाकिस्तान को फॉलो अप करते हैं, फोर्टे पाकिस्तान से सब कुछ करते हैं, बट एलसी हम बनाते हैं फोर्टे पाकिस्तान की ट्रांसफरेबल टू पेट्रा। जैसे ही हम फोर्टे पाकिस्तान को एलसी इशू करते हैं ना, एलसी उस एलसी को फोर्टे पाकिस्तान पेट्रा को ट्रांसफर कर देते हैं। पेट्रा मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान को नहीं जानता, पेट्रा सिर्फ फोर्टे पाकिस्तान को जानता है, तो फोर्टे पाकिस्तान से एलसी एक्सेप्ट करता है, प्रोडक्ट वो फोर्टे पाकिस्तान को डिलीवर करता है और फोर्टे पाकिस्तान हमें डिलीवर करता है, लेकिन हम एलसी और उसकी सारी लाइबिलिटीज फोर्टे को ट्रांसफरेबल टू पेट्रा बना के देते। फिर आता है पेमेंट एट साइट एलसी। इस टाइप ऑफ एलसी का मतलब ये होता है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में आ गए, एलसी के डॉक्यूमेंट्स, एलसी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो गए, 7 दिन के अंदर पेमेंट सबमिट हो जाएगी। इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है सेलर का कि आप इन प्रोडक्ट्स को रिलीज कब करवाएंगे, इंपोर्ट क्लियर कब करवाएंगे, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है कि मैंने सामान भेज दिया, मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए, अब मुझे 7 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए, ऐसी एलसी को हम पेमेंट एट साइट करते हैं। फिर आती है डिफर्ड पेमेंट एलसी। डिफर्ड पेमेंट में क्लॉज लगा के देते हैं कि एलसी जो है वो आने के बाद, प्रोडक्ट आने के बाद हम सपोज 30 दिन के या 40 दिन के बाद इसकी पेमेंट करेंगे, ऐसी एलसी को हम डिफर्ड पेमेंट एलसी कहते हैं, कि जिसके अंदर पेमेंट को डिफर किया जाता है, पेमेंट को एक्स वाई जेड टाइम तक के लिए होल्ड कर लिया जाता है, कि एलसी भी एलसी के डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे, सामान भी आ जाएगा, बस 30-40 दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे, ये एलसी डिफर्ड पेमेंट एलसी कहलाती है। अच्छा कुछ कंपनी कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान है आप एडवांस पेमेंट नहीं भेज सकते, ठीक है ना, बट आप रेड क्लॉज एलसी बनवा सकते हो कि जिसके अंदर आप एक एडिशनल क्लॉज ऐड कराते हो कि ये एलसी बनेगी तब के जब एक्स वाई जेड अमाउंट एडवांस पेमेंट भेज दी जाएगी, या एलसी बायर सेलर को भेजी तब सकेगा, या सेलर उसको एक्सेप्ट ही तब करेगा कि जब एलसी के साथ इतनी एडवांस पेमेंट आएगी। ये बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, बट हाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडवांस पेमेंट भेजने का ये तरीका छोड़ा है कि आप एलसी खुलवाएं और एलसी का रेड क्लॉज लगाएं, और रेड क्लॉज लगाने के बाद अब जब एलसी सप्लायर के बैंक को भेज रहे हो तो उसके साथ एडवांस पेमेंट भेजें, ऐसे चीज़ों को हम रेड क्लॉज एलसी कहते हैं, ठीक है। अब जो एलसी का बेसिक फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने। अच्छा इसके अंदर कंफर्मिंग बैंक नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 4 आर्बिट्रीज की बात हो रही है, इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का बैंक, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का बैंक, ठीक है, बायर सप्लायर या उसको बायर सेलर करो, बायर बायर का बैंक, और सेलर सेलर का बैंक, ठीक है। अच्छा ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, बायर सेलर को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट PO या कन्फर्मेशन भेज देता है कि आप मेरी प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, और इसके साथ ही अपने बैंक को रिक्वेस्ट भेज देता है कि मुझे क्रेडिट इशू करें, ठीक है। बैंक इम्पोर्टर का बैंक बायर की सारी चीज़ों को चेक करने के बाद क्रेडिट को एक्सपोर्टर के बैंक पे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, कि हाँ यार
हमने बायर के बिहाफ पे आपको क्रेडिट भेज दिया, अब आप ये क्रेडिट अपने सेलर को भेजें। एक्सपोर्टर का बैंक या सेलर का बैंक वही लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को भेज देता है, तो सेलर को बायर की तरफ से सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और एक्सपोर्टर अपने बैंक की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है, तो वो काम शुरू कर देता है। अच्छा, काम शुरू करने के बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो सेलर बायर के लिए अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना शुरू कर देता है, जबकि प्रोडक्ट रेडी है, ये डिलीवरी स्टार्ट हो गई, और इसी के साथ साथ अपने बैंक को डॉक्यूमेंट भेज देता है कि अब मेरे पैसे मुझे दो। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं स्टेप सिक्स में, एक्सपोर्टर का बैंक उसको पैसे भेज देता है और वही डॉक्यूमेंट बायर के बैंक को भेज देता है। बायर का बैंक उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट उस क्रेडिट को रिलीज कर देता है, पैसों को रिलीज कर देता है, और फिर वही डॉक्यूमेंट्स बायर को भेज के अपनी पेमेंट क्लेम कर देता है। ये आठ प्रोसेस का एलसी का स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क। सर, एलसी पे लाइक पाकिस्तान में कितने चार्जेस लेता है बैंक? परसेंटेज होती है वो आपका कस्टमर और सप्लायर का, कस्टमर का और कस्टमर के बैंक का कितना अच्छा रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है। परसेंटेज होती है 1% 2% एलसी अमाउंट। ओके, अच्छा, इसमें मार्जिन होल्ड अलग होता है, कुछ एलसी ऐसी होती है मार्जिन होल्ड हो जाता है, तो उन एलसी का मतलब ये होता है कि आपने सपोज एक लाख ना, तो वो 50,000 रुपये पहले मांगता है कि 50,000 रुपये पहले जमा कराओ तो ये 1,00,000 की एलसी दूंगा, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप क्या प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। और बिल्कुल 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, बाकी भाइयों को बहनों को सबको ये चीज समझ में आ गई? यस सर। सर, ये जो फोर्थ स्टेप है जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूं। जी जी, इसमें सर सिर्फ हमने सिर्फ लेटर भेजते हैं कि जी हमें क्रेडिट रिसीव हो गया? जी जी, अभी तक सिर्फ लेटर जा रहे हैं, अभी तक सिर्फ कंफर्मेशन जा रही है। बैंक बायर के बैंक ने सेलर के बैंक को भेजा कि हाँ यार ये क्रेडिट मैं तुमको दूंगा। देखो ना, क्रेडिट सिर्फ नंबर होता है, आपके अकाउंट में फिजिकल कैश तो नहीं आ रहा होता ना, एक 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 उम्मीद है कि ये पैसे मेरे अकाउंट में पड़े। अब तो ये उम्मीद जो है ना वो बायर का बैंक सेलर के बैंक को भेज देता है कि यस एक्स वाई जेड अमाउंट मैं तुझे दूंगा, आगे जा। सर, ये 8 स्टेप के बाद फिर जो है वो पेमेंट आती है? नहीं, पेमेंट आना शुरू होती है डॉक्यूमेंट से। जैसे ही सेलर ने एक्सपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिया ना, वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सपोर्टर के बैंक ने जैसे ही इम्पोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिए, उसको क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इम्पोर्टर का बैंक जो है इम्पोर्टर से लड़ रहा होता है कि आप पेमेंट करो, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता ना, वो कहता है पहले पेमेंट दोगे तो ही आपकी प्रोडक्ट रिलीज हो सकेगी। वीबॉक के अंदर वो प्रोडक्ट जब तक रिलीज नहीं होगी जब तक आपके बैंक आपका सारा क्रेडिट एक्सेप्ट कर लेता, मतलब आप बैंक को सारा पैसा दे नहीं देते। ठीक सर, मतलब 7th स्टेप तक जो पैसे हैं क्रेडिट जो है वो इंपोर्टर के बैंक के पास ही पड़ा है। इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर के बैंक को दे दिया है, ठीक है, अपने पे। अब इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर से कैसे क्लेम करेगा? डॉक्यूमेंट्स आ गए बैंक के पास, अब बैंक कहता है पहले पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी चीजें रिलीज कराऊंगा। बेसिकली जो रिलीज कराने के लिए विभाग के अंदर ना बैंक का बहुत बड़ा रोल, तो विभाग के अंदर तब तक रिलीज नहीं आती, शिपमेंट रिलीज में तब तक नहीं आती जब तक आप अपने बैंक को पैसे नहीं दे देते। जिस बैंक ने एलसी खुलवाई होती ना, उस बैंक को जब पैसे मिलेंगे ना तब वो रिलीज करेगा आपकी शिपमेंट को या करवाएगा। सबको समझ में आ गया? अच्छा, आपने लास्ट टाइम भी क्लास में पॉइंट बताया था, प्लीज रिपीट कर दें कि अगर इंपोर्टर पीछे हो जाए तो उस केस में क्या होता है? तो बैंक बैंक जो है भरता सारे पैसे खुद अपनी जेब से, और क्या होता? लॉस हो गया ना। हाँ, लॉस हो गया, लेकिन वो ऐसे थोड़ी छोड़ता है, फिर इंपोर्टर को निचोड़ देता है, इंपोर्टर को फिर वो घर बेच के भी निकालता पैसे, बैंक को कभी नुकसान नहीं होता। नहीं सर, अगर बैंक के पास और कोई प्रॉपर्टी है, कुछ अकाउंट्स उस इंपोर्टर के हैं, एलसी जो है ना ऐसे किसी की नहीं खोल देता। आप चले जाओगे कल के, मुझे 1,00,000 रुपए की एलसी देता, आपको भगा देगा, आप हो कौन? तो वो बड़ी बड़ी जिसको किसको कहते हैं क्रेडिट लिमिट, बड़ी जबरदस्त किस्म की बैंक इवेल्युएट करता है क्रेडिट लिमिट को, उसके बाद आपको एलसी देता है। आप बहुत बड़े इम्पोर्टर हो, लेकिन हो सकता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको 1,00,000 रुपए की एलसी खोल के ना दे, क्योंकि आपने बहुत जगह से लोन लिया हुआ है, बहुत आपकी लाइबिलिटीज हैं,
तो आपका पहले पीएनएल जो आपका बैंक बनता है ना, जो एलसी आपके लिए बना रहा होता है, वो आपको बहुत सारी चीजें देखने के बाद आपकी एलसी इशू करता है। ऐसे एक्स वाई जेड किसी को भी एलसी इशू नहीं करता। सर एलसी इशू कराने के लिए आपको बैंक का मतलब के बंदा होना जरूरी है, मतलब कस्टमर वगैरह? कस्टमर सिर्फ कस्टमर होना जरूरी है, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट होना जरूरी है। कस्टमर और कॉर्पोरेट अकाउंट में फर्क होता है, तो बस उसका बैंक का कॉर्पोरेट अकाउंट होना जरूरी है। मतलब वो आपके पास एक प्रॉपर रिलेशनशिप मैनेजर होगा जो आपकी चीजें मैनेज कर रहा हो। सर कॉर्पोरेट अकाउंट क्या मतलब जॉइंट अकाउंट्स डायरेक्टर के? डायरेक्टर के जॉइंट अकाउंट नहीं होते कॉर्पोरेट अकाउंट। बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको डिफरेंट लिमिट्स मिलती हैं, आपका बिल्कुल बैंकिंग एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है, आपकी लिमिट्स डिफरेंट होती हैं, आपकी पेमेंट टाइम डिफरेंट होता है। ओके फाइव बैंकिंग डेज टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट एट साइड एलसी, फाइव बैंकिंग डेज भी होता है, सेवन बैंकिंग डेज भी होता है, सेवन वर्किंग डेज भी होता है, डिफरेंट जो है कन्फर्मिंग बैंक के होता है। अच्छा पेमेंट एट साइड जो है ना, वो अक्सर उस जगह पे आप यूज करते हो कि जहाँ पे आप एलसी खोलना नहीं चाहते, ठीक है ना, आप या आप जो है आपका सप्लायर जो है आप पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता या उसकी प्रोडक्ट पेरिशेबल है, ठीक है ना। हमारे जैसे जो भी बीफ चिकन इंपोर्ट हो रहा है ना, उसका पेमेंट एट साइड एलसी खुलती है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्ट आ गई पाकिस्तान में, अब उसकी शेल्फ लाइफ रह गई एक महीना। अब अगर एक महीने तक आपने उसको क्लियर नहीं करवाई, आपके पास फंड्स नहीं है, तो वो तो प्रोडक्ट पोर्ट पर पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर आप क्या क्लेम करोगे? आप तो उसको रिलीज भी नहीं करा सकते। अगर वो एक्सपायर हो गई शेल्फ लाइफ पे, तो वो पोर्ट उसको खुद ही डंप कर देगा। तो सप्लायर कहता है ऐसे केस में आप मुझे पेमेंट एट साइड एलसी दो, ताकि आपके पास जब प्रोडक्ट पहुँच जाए आप 7 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर दो। इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं कि आप उसको कब रिलीज कराते हैं। रिवोकेबल और इरिवोकेबल में फ़र्क ये भाई, रिवोकेबल आप सप्लायर के कंसेंट के बगैर चेंज नहीं कर चेंज कर सकते हो, और इरिवोकेबल चेंज नहीं कर सकते। और रेड क्लॉज एलसी बेसिकली उस एलसी को कहते हैं कि जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी एक एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड कर सको, जैसे एडवांस पेमेंट है, जैसे कोई और चीज़ें इंस्पेक्शन एट साइट है या इंस्पेक्शन एट पोर्ट है, आपको ऐसी कोई एडवांस क्लॉज ऐड करना है जो कि नॉर्मल एलसी का पार्ट नहीं है, तो आप रेड क्लॉज एलसी खुलवाते हो। जी भाई सवाल करें। सर ये ट्रांसफरेबल एलसी एक दफा दोबारा बता दीजिए। ट्रांसफरेबल एलसी बेसिकली जिस जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं हम आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और प्रोडक्ट आपको मंगवा के देंगे। प्रोडक्ट की अमाउंट सपोज 1 करोड़ रुपए, तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मैं ये 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी खुद क्यों लूँ, मैं उसके टैक्स जमा कराऊँ, मैं उसको अपने अपनी लाइबिलिटी में क्यों शो करूँ। बेसिकली 1 करोड़ रुपए तो अल्टीमेटली मेरे पेरेंट कंपनी को जाने, मुझे तो उसमें से 1-2 लाख-3 लाख रुपए मिलने हैं मेरे कमीशन के। तो आप जब निगोशिएट कर लेते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहता है कि आपकी मुझसे निगोशिएशन हो गई, मैं आपकी हर चीज़ का लायबल हूँ, लेकिन मुझे आप एलसी ट्रांसफरेबल बना के दें, ताकि आप जैसे मुझे एलसी देंगे मैं उसको अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफ़र करवा दूंगा, ताकि सारा पैसा डायरेक्ट पेरेंट कंपनी को जाए, मेरे अकाउंट में गिर के पेरेंट कंपनी को ना जाए। जैसे आपके अकाउंट में गिर गया, आप लायबिलिटी बन गई आपकी, आपको उसका जवाब भी देना है, टैक्स भी देना है, सब कुछ देना है। तो अपने अकाउंट में पैसे नहीं गिराना चाहता, बेसिकली वो चाहता है कि उसके पेरेंट कंपनी के अकाउंट में गिरे। तो ऐसे केस में वो ट्रांसफरेबल एलसी बनवाता। सर मतलब जैसे जैसे अगर घर बेचते हैं तो उसमें जैसे बीच में ब्रोकर्स होते हैं, तो घर की जैसे घर बेचने के बाद वो अपना उसमें से जो शेयर होता है वो ले लेते हैं। और नहीं नहीं, आपको घर बेचने की एग्जांपल समझाता हूँ। आपने एक आप एक ब्रोकर हैं और आपने किसी का घर बेचा है, सपोज उस घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, क्या ये भाई ये बायर है ये सेलर है, ठीक है, मैं तो ब्रोकर हूँ, तो आप जो चेक बनाओगे ना वो सेलर के नाम का बनाओ, मेरे नाम का मत बनाना, मेरे नाम का कमीशन का चेक अलग से बना देना। या आपकी सेटिंग होती है, आप कहते हो आप पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेलर का बनाओ, और आप सेलर को कहते हो कि यार ये चेक जैसे ही आपके पास आए ना आप मुझे मेरे पैसे रिलीज कर देना, मेरा जो आपके पास कमीशन का जो पहले से डिस्कस्ड है वो रिलीज कर देना। तो ऐसे केस में बेसिकली ट्रांसफरेबल एलसी बनती है। ठीक है सर। ये अभी जो आए अहमद साहब, ये कहाँ से आ रहे हैं घूमते घुमाते हुए? अहमद रजा आप क्लास तो नहीं थे अब तक? अहमद रजा साहब, अच्छा दानिश साहब
हैं क्लास में अभी? सॉरी सर, मेरा असल में दूसरा लैपटॉप ऑफ हो गया, तो मैंने अभी अपने दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन किया। ओके ओके, दानिश अली साहब अब हैं क्लास में? दानिश साहब, अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ड्यूटीज ऑफ बायर। इससे बायर और सेलर के दरमियान डिस्प्यूट होता है ना, तो बायर का अपर एंड होता है, ठीक है ना, क्योंकि बायर सेलर को धमकियां भी दे सकता है, बायर सेलर के साथ मिसबिहेव भी कर सकता है। लेकिन आपको जब एक बायर बनते हो ना, तो आपके पास कुछ इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले ये कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, उसके मुताबिक आप गुड्स को जी अपर एंड क्यों होता है, मतलब वजह क्या हाल है कि प्रोडक्ट तो हमें चाहिए, मतलब जैसे प्रोडक्ट तो बायर को चाहिए होता है ना, काम तो उसका रुका हुआ होता है। हाँ, लेकिन सेलर जो है ना, वो क्योंकि एक मार्केट प्लेस की बात करते हैं कि जहाँ पे बायर और सेलर मीट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दराज है, अलीबाबा है, अमेजोन है, ठीक है। अब सेलर बायर आता है, आपकी प्रोडक्ट खरीदता है और आप पे नेगेटिव रिव्यू डाल के चला जाता है, तो वो नेगेटिव रिव्यू आप पे जिंदगी भर चिपक जाता है आपके आके कि आपकी प्रोडक्ट में ये नेगेटिव रिव्यू है। वो आपसे नहीं पूछता कि इसमें सेलर की कितनी गलती है, आप या बायर की कोई गलती है नहीं है इसके अंदर। हर केस के अंदर फड्डा जो है वो सेलर पे आके गिरता है, ठीक है। आप एक रेस्टोरेंट गए, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की, पूरी प्रोडक्ट खा ली और आखिरी बाइट पे आपने छोड़ के कहा कि इसमें मक्खी है, ठीक है, तो सेलर आपसे बहस नहीं कर सकता, वो आएगा माफ़ी मांगेगा और दूसरा प्रोडक्ट दे के जाएगा। तो बायर का मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपर एंड होता है, तो बायर को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा जी अपर हैंड है ना, इसका मुझे गलत यूज़ नहीं करना। तो ये ड्यूटी है बायर, कुछ ड्यूटीज़ हैं बायर की जो हम जनरली डिस्कस करते हैं, क्या जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या जो आपने पीओ दिए ना, उसके मुताबिक चीज़ों को एक्सेप्ट करो और फिर पेमेंट करो, ठीक है। डिलीवरी के लिए आप अप्लाई करो, मीन्स आप उससे कहो कि मुझे कब डिलीवरी चाहिए, ये ड्यूटी है बायर की। ऐसा नहीं आप कभी दिल आपका जब दिल चाहे आप मंगवा लो डिलीवरी, आप उसको पहले से बताओ कि यार मुझे इस दिन डिलीवरी चाहिए होगी, आपके पास फिजिबिलिटी है नहीं है, आप उससे पूछो। और टाइमलाइन जो है ना थोड़ी सी रीजनेबल, या जिसको कहेंगे ना कि यार समझ में आने वाली टाइमलाइन दो। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि इस चीज़ में डिलीवरी होने में 4 दिन लगे और आप डिमांड करो कि मुझे 2 दिन में डिलीवरी आके दो। फिर आता है कि डिलीवरी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है कि यार इंस्टॉलमेंट्स में आएगी, मीन्स आपने एक बड़ा ऑर्डर दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया कि ये डिलीवरी बहुत बड़ा ऑर्डर है जो तो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, पहले थोड़ा आएगा फिर बाद में थोड़ा आएगा और फिर पूरा होगा, तो ये ड्यूटी है बायर की कि इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर प्रोडक्ट आने के बाद डिटेरियोरेशन हो जाती है या ट्रांजिट के अंदर डिटेरियोरेशन हो जाती है प्रोडक्ट की, तो फिर इसको एक्सेप्ट करें या इंडेंट करें पहले से, कह रही है मसले मसायल अगर हुए तो किस कौन जिम्मेदार होगा। फिर अगर इसकी वजह से अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा गुड्स को, तो वो सेलर को बताया कि मैं तुम्हारी गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इसी तरीके से प्राइस है, इसी तरीके से पेमेंट टर्म है, ये सारी चीज़ें बायर की ड्यूटी है कि अगर उसने सेलर के साथ एक एग्रीमेंट किया है तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। फिर आते हैं मेक और बाय डिसीजन में। मेक और बाय डिसीजन आउटसोर्सिंग, बेसिकली हम जब कहते हैं ना किसी चीज़ को आउटसोर्स करना, तो हम उसका मेक और बाय डिसीजन कर रहे होते हैं। ये प्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी है मेक और बाय डिसीजन, लेकिन इसको हम एक होलिस्टिक वे में बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोसेस या ये प्रोडक्ट खुद बनानी है या किसी से बनी बनाए ख़रीदनी है। ये डिसीजन बेसिकली मेक और बाय डिसीजन कहलाता है, और मेक और बाय डिसीजन आउटसोर्सिंग का बेसिस है। आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आउटसोर्स करनी होती है ना, तो उसका बेसिस जो है ना ये मेक और बैड डिसीजन। मेक और बैड डिसीजन बेसिकली करता क्या है कि आप कॉस्ट को कंपेयर करते हो कि आप प्रोडक्ट को खुद बनाओ, सर्विस को खुद दो या उसको आउटसोर्स कर दो। इन दोनों के दरमियान जो कॉस्ट डिफरेंस है आपका मेक और बैड डिसीजन उस पर डिपेंडेंट होता है। क्वालिटी का मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि क्वालिटी एक प्री रिक्विजिट है। क्वालिटी को हम हर जगह डिस्कस नहीं करेंगे, क्वालिटी एक प्री रिक्विजिट है कि क्वालिटी पहले ही कंपेयर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनली इन सोर्स में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी दे रहे हो
और कॉस्ट के चक्कर में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो जब आप किसी चीज को आउटसोर्स करो। जो क्वालिटी आप इनसोर्स में दे रहे हो वही क्वालिटी आप आउटसोर्स में भी डिमांड करते हो, ये तय है। अब बात आती है सिर्फ कॉस्ट के फैक्टर की, कि कॉस्ट आप इंसोर्स करो किसी चीज को, खुद बनाओ खुद दो, वर्सेस आउटसोर्स करो और उसकी कॉस्ट डिफरेंस आ रहा। अच्छा, बहुत जगह कॉस्ट के साथ एक और फैक्टर लग जाता है जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है, कुछ जगह पे आप कुछ डिसीजंस को आउटसोर्स करते हो ऑन द नेम ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आप इस चीज की लायबिलिटी लो। फॉर एग्जांपल आपको मैं दूं, अगर सबसे अच्छी एग्जांपल तो है वो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज आप आउटसोर्स करते हो तो कॉस्ट के साथ एक और फैक्टर लग जाता है, वो होता है लायबिलिटी। अब सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसका लाइफ इंश्योरेंस होगा, ठीक है, फिर उसकी बंदूक, बंदूक का लाइसेंस, बंदूक चलाना कितना आती है उसको, ये सब चीजें एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हुए आप मैनेज नहीं कर सकते। या आपकी कंपनी में 10 सिक्योरिटी गार्ड भी हैं तो भी आप मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कॉस्ट की जगह, कॉस्ट से ज़्यादा फैक्टर होता है कि आप लायबिलिटी नहीं चाहते कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी लायबिलिटी मुझ पर आएगी या कोई भी चीज़ मुझ पर आएगी, तो इसलिए भी आप आउट सकते हैं। बहुत मतलब मैक्सिमम जगह पर कॉस्ट का फैक्टर होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे लायबिलिटी का भी फैक्टर होता है व्हेन यू आर मेकिंग अ मेक और बाय डिसीजन। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि आप कोई टास्क और एक्टिविटी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को देते हो और ये गेज करते हो कि वो कितना अच्छी तरीके से इस टास्क या एक्टिविटी को कर सकता है। ठीक है, आप और पहले दिन मतलब हमने कुछ क्लासेस पहले ये डिस्कस भी किया था कि अपने नॉन कोर फंक्शन को आप आउटसोर्स करने की कोशिश करते हो ताकि आप अपने कोर पे ध्यान दे सको, और नॉन कोर फंक्शंस आप कुछ स्पेशलाइज्ड एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हो जो कि उस काम में, उस काम को करने के माहिर होते हैं या उस काम को करने की उनके पास एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या फ़र्क है? आउटसोर्सिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन है और सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है। एक पूरी बिजनेस एक्टिविटी का कुछ पार्ट थोड़े वक्त के लिए किसी को देना, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। और आउटसोर्सिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि आप अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस में से कोई एक पार्ट उठा के पूरा का पूरा किसी और से करवाते हो, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ बिजनेस एक्टिविटी किसी को पार्ट कर देते हो। ठीक है, आप एक इवेंट मैनेजमेंट हो, कंपनी हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इंसोर्स करते हो, लेकिन आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया जिसके लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लेबर, कुछ मटेरियल, कुछ चीज़ें चाहिए। तो आपने अगर ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए किसी और से करवाई या किसी और से इंडेंट की या किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाएगी, आउटसोर्सिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो कि जो लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन या जो फूड है वो किसी बाहर वाले से ही बनवाते हो, और आपका ये हमेशा का यही रूटीन है कि आपके पे जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये आउटसोर्सिंग कहलाएगी। मीन्स आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो जो सिर्फ अपनी ब्रांड इमेज को या अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे फोकस रखता है और बाकी सब चीज़ें बाहर से करवाता है, तो आप आउटसोर्सिंग ही कर रहे हो। ठीक है सर, यहाँ पे एक सवाल है सर, इसमें कोई टाइम बाउंड फ्रीक्वेंसी होती है कि मतलब कितने नंबर ऑफ वीक्स पे हम जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और कितने नंबर वीक से वो चीज एस्केलेट करेगी आगे जाएगी तो उसको हम आउटसोर्स बोलेंगे? आप अगर टाइम बाउंड के अलावा मुझसे ये बात समझने की कोशिश करो ना कि आपका बेसिक डिसीजन मेकिंग क्या है। ठीक है, तो आप आउटसोर्सिंग को सब कॉन्ट्रैक्ट को समझ सको। आप घर में हो, करीम की एक बहुत अच्छी सी आपको ऑफर मिल गई 3 दिन के लिए। ठीक है, 3 दिन के लिए आपने अपनी गाड़ी रख के करीम पे आना जाना शुरू कर दिया, तो दिस इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कोई ऑफर, कोई फिनोमेना, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप अपनी गाड़ी चलाओ और आपने थोड़े वक्त के लिए करीम पे आना जाना शुरू कर दिया, तो दिस इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे मुल्क में रहते हो कि जहाँ गाड़ी रखना, खरीदना, बेचना, मेंटेन करना, इंश्योर करना बहुत ही मुश्किल है, और आप जनरली थर्ड पार्टी व्हीकल यूज करते हो, मतलब फिर आपने करीम पे आना जाना शुरू नहीं किया, फिर आपने एक वैन ही लगवा ली और वैन आपको टाइम पे ऑफिस छोड़ी, टाइम पे ऑफिस से लेके घर छोड़ी, तो अब आपने आउटसोर्स कर दिया।
सही है, ठीक है सर। और सर इसकी एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगी कि जैसे बैंक्स हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स को आउटसोर्स ही करते हैं और जनरल स्टाफ को भी वो आउटसोर्स ही करते हैं, तो अगर बैंक्स की मिसाल लें तो बैंक्स आईटी सर्विस आउटसोर्स करते हैं, जनरेटर्स आउटसोर्स करते हैं, जनरेटर्स की मेंटेनेंस आउटसोर्स करते हैं, इसी तरीके से जो एसी लगे हुए हैं उनकी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस आउटसोर्स करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आउटसोर्स करते हैं, जेनिटोरियल सर्विस आउटसोर्स करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा होता है बिटवीन स्टेट बैंक्स एंड बिटवीन बैंक्स, ये भी वो जो जिन जिन कंपनी को देते हैं वो भी आउटसोर्सिंग है, जो कैश कलेक्शन हो रही होती है वो भी आउटसोर्स। सर मुझे जो आपके सप्लाई चेन के मतलब सॉरी सप्लाई चेन बोल रहा हूँ बिजनेस के पैरामीटर है चाहे वो लेबर्स या वो सारे आउटसोर्सिंग पर ही अब बेस्ड है ज़्यादातर है, इवन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन मोर और लेस पूरा। हाँ लेकिन आउटसोर्सिंग का बेसिक समझना जरूरी है ना कि हम कोई चीज़ को आउटसोर्स करते ही क्यों, ठीक है ना। आउटसोर्स कर रहे हो तो आप अपने प्रॉफिट का एक शेयर उसको दे रहे हो ना, वो भी तो सर्विस से प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है ना। अगर आपने 1 करोड़ का लॉजिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो वो 1 करोड़ पे 15-20 तक प्रॉफिट इंजॉय कर रहा होगा, वो प्रॉफिट आप क्यों नहीं रखते। आप कुछ चीज़ों को मैटर करते हो जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कॉस्ट, कि वो काम मैं बाहर से कराऊं तो मुझे कितने का पड़ेगा और मैं खुद करूं तो मुझे कितने का पड़ेगा, ये डिफरेंस देखते हो। जैसे मैं मैकडॉनल्ड्स की आपकी मिसाल लेता हूं ना, या जितने भी इस तरह की फूड चेन्स है, आप यू कैन इजीली बाय द पोटैटो एंड कर्ड फॉर द फ्राइज, बट आप लोग बाहर से खरीदते हैं उसको मल्टीपल रीजंस। लेकिन इसमें लेकिन इसको हम आउटसोर्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना, कि हम पोटैटो बाहर से खरीद रहे हैं ये आउटसोर्सिंग है, ये आउटसोर्सिंग नहीं। हाँ हम डिलीवरी बाहर से करवाते हैं ये आउटसोर्सिंग है, हमने फूड पांडा से डिलीवरी करवाना शुरू किया ये आउटसोर्सिंग है। ये जो आप पोटैटो की बात कर रहे हो ना, इसमें तो क्वालिटी का फैक्टर है, पाकिस्तान में वो क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है कि हम उसको यहाँ बना सकें, मल्टीपल। हाँ मल्टीपल फैक्टर। इसी तरीके से जो ये मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ ना कि टेक्टिकल मेक और बाय डिसीजन होते क्यों हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे पोटेंशियल डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट होता है ना, वो होता है कि आपका एग्जिस्टिंग सोर्स जो है ना वो डिलीवरी फेलियर कर रहा है या पुअर सर्विस कर रहा है। मीन्स आप इसको एग्जिस्टिंग सोर्स को अपनी कंपनी कहो या अपना कोई सब कॉन्ट्रैक्टर कहो या अपना करंट जो आपका वेंडर है उसको कहो कि यार ये जो चीज़ है ना ये एग्जिस्टिंग सोर्स से मेरे पास पुअर सर्विस में आ रही है या बार बार डिलीवरी फेलियर आ रहा है तो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कोर पर फोकस करना चाहती है और नॉन कोर एक्टिविटी से निकलना चाहती है तो भी आप आउटसोर्स करते हो। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको स्किल एंड टेक्नोलॉजी से एक्सेस करना है, क्यों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी करंट कंपनी अपने जॉनर में रहते हुए अपने एरिया में रहते हुए नहीं कर पाती तो ऐसे सिनेरियो में स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने के लिए आप आउटसोर्स करते हो, आप उन कंपनीज को अपने पास इनकॉर्पोरेट करते हो, वो अपनी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपके साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर की बात करो तो अगर आप किसी स्किल्ड एचआर कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हो तो वो आपको नई टेक्नोलॉजीज नई सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उनकी कंपनी में यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप उससे आशनाई के लिए उसको सीखने के लिए भी आप चीज़ों को आउटसोर्स करते हो, और फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आउटसोर्स करते हो कि यार मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि मैं अपने प्रोडक्ट की इंक्रीज एंड डिक्रीज को कंट्रोल कर सकूं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकूं, तो भी मैं आउटसोर्स करता हूं, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग की एग्जांपल्स हैं इसके अंदर कार पार्किंग मैनेजमेंट, क्लीनिंग, केटरिंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट डिस्पोजल, लाइब्रेरी, मेडिकल, पेस्ट कंट्रोल, ग्राउंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर एंड आईटी। ये जनरली कुछ एग्जांपल्स हैं सर्विसेज की जो हम आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, क्या बॉडी शॉप आउटसोर्सिंग, क्या आप शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को इन हाउस को मीट करने के लिए टेम्परेरी डिमांड को मीट करने के लिए आप आउटसोर्स करते हो, क्या आप कुछ चीज़ें खुद करते हो फिनिशिंग किसी और को दे देते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग, क्या आप एक पूरा प्रोजेक्ट किसी और को दे देते हो, क्या आप ये मेरा प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीट करें और उसके बाद हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, और कम्प्लीट आउटसोर्सिंग क्या आप सप्लायर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो किसी एक फंक्शन। बॉडी शॉप में ट्विक्स एंड टर्न्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप आउटसोर्स कर देते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट बेस आप आउटसोर्स करते हो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है जो आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे या आपके पास इन हाउस कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो आप एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन के साथ उसको आउटसोर्स करते हो कि यार एक्स वाई जेड टाइमलाइन है
आपने कंप्लीट करना और ये प्रोजेक्ट फिर आप हमें हैंडओवर कर देंगे और कंप्लीट आउटसोर्सिंग, आप 100% अपना फंक्शन किसी और को आउटसोर्स। अच्छा आप लोगों के पास किसी जिसके पास पेन पेपर है वो पेन पेपर उठा ले वरना कोई वर्ड की फाइल खोल ले। ये मेक और बाय का एक सवाल है कि आपका एक प्रोजेक्ट है उसके लिए आप कोई आइटम रेंट पे या लीज पे ले सकते हो जो कि $150 पर डे में आपको रेंट के लीज पे मिल जाएगा, और आप परचेज करोगे ना तो आपको $1,000 में परचेज हो जाएगा और उसके भी $50 पर डे चार्ज होगा आपको, या आपको $50 पर डे उसको मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी लीज कॉस्ट और परचेज कॉस्ट कब सेम हो जाएगी, मतलब कब वो पॉइंट आ जाएगा कि जब ये लीज कॉस्ट और परचेज कॉस्ट सेम हो जाएगी, मतलब कितने दिनों में ये लीज कॉस्ट और परचेज कॉस्ट सेम हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर 12 दिन के लिए आपको वो चीज़ चाहिए तो आप लीज करोगे या परचेज करोगे। आप लोग अपने पास की सवाल का थोड़ा सा सोल्यूशन करने की कोशिश करें प्लीज़, 5 मिनट हैं आपके पास। आउटसोर्स में सर कर लिया हो गया, इस दूसरे लोगों को भी करने थे फिर हम इसको कर लेते हैं। ओके सर,
डन सर। अच्छा किस किसका क्लास में नहीं हुआ? हो गया वो तो बहुत सारे लोग माशाल्लाह, किस किस का नहीं हुआ प्लीज मुझे बताया ताकि मैं उसको गाइड करूं। मेरा नहीं हुआ सर। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? मैं फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा कौन सा लगे। ओके ठीक है, और किसी का? दानिश अली साहब आप हैं क्लास में? सर उनका हो गया, उन्होंने रिप्लाई किया था शायद। अच्छा मैसेज कर रहे हैं। जी क्या हुआ दानिश साहब, आपका माइक नहीं चल रहा आज यार, आप बड़े कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस करते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। दानिश हेडफोन ओके। अच्छा जिनका कंप्लीट हो गया वो भी और जिनका नहीं हो पाया वो भी, इसको हम इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली दो अलग अलग क्या कहेंगे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो हम मैथ्स की तरह इसको अगर मैथ्स में सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, एक तरफ एक ऑप्शन को रखेंगे इक्वल्स टू करेंगे और फिर दूसरे तरफ दूसरे ऑप्शन को। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी बेसिकली कि आप 150 पर डे है तो 150 डी को एक तरफ रखेंगे इक्वल्स टू करेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे $1000 जो कि आपको भरनी भरनी, प्लस रखेंगे 50D मतलब 50 पर डे आपको एडिशनल कॉस्ट लग रही है, तो आपके नंबर ऑफ डेज इससे निकल आएंगे 10। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे 10। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। किसी को ये समझ में ना आया तो अच्छा, जब 10 दिन के अंदर आपको पता चल गया कि आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट आ जाती है, मतलब 10 दिन एक ऐसा टाइम है कि जिसके बाद आप परचेज करें या बाय करें आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा, तो 10वें दिन आपकी ब्रेक इवन आ जाती है। तो 10वें दिन के बाद मैं अगर उसको सॉल्व ही ना करूं तो मैं 11वें दिन क्या कर रहा हूँ, बाय करूँगा या आउटसोर्स करूँगा? बाय परचेस कर लेंगे, क्योंकि 11वें दिन क्या हो रहा होगा, अगर आपने आउटसोर्स किया हुआ होगा तो आपको 150 पर डे लग रही होगी और अगर आपने परचेस किया हुआ होगा तो 50 पर डे लग रही होगी। 11वें दिन आपको $100 का मुनाफा होगा अगर आपने परचेस किया हुआ, मींस अगर इसको हम ओवरऑल कहें तो एक इवेंट के लिए आपको जनरेटर खरीदना है, एक इवेंट के लिए आपको जनरेटर चाहिए। ठीक है, वो जनरेटर अगर आप रेंट पर ले रहे हो तो आपको सपोज ₹15,000 पर डे लग रहा है, और अगर आप खरीद लेते हो तो ₹1,00,000 का वो जनरेटर है और ₹50,000 पर डे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ₹5,000 पर डे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो ₹15,000 पर डे और ₹5,000 पर डे को डिफरेंट करना, तो अगर आपका इवेंट 10 दिन या इससे कम का है तो आप रेंट पर लोगे, लेकिन अगर 10 दिन या इससे ज़्यादा का है तो आपको इसको परचेस कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11वें दिन जो है वो आप उस पे ₹10,000 एक्स्ट्रा दे रहे होंगे अगर आपने उसको रेंट पे लिया हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई? सही है सर। यस सर। अच्छा जिन भाई से मैंने इनकोटर्म्स की बात की थी, मेरे पास मुझे नहीं लगता इनकोटर्म्स समझाने का टाइम है, बट इनकोटर्म्स का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इनकोटर्म्स असल में होती क्या। ठीक है, इनकोटर्म्स बेसिकली इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इनकोटर्म। अब इनकोटर्म की ज़रूरत क्या है? तो देखो पाकिस्तान में जब आप किसी सप्लायर से बात कर रहे हो, कराची में किसी सप्लायर से बात कर रहे हो ना, यू हैव द प्रिविलेज कि वो आपकी ज़बान समझता है, आपके नॉर्म समझता है, आपकी लैंग्वेज समझता है, आपके बैरियर्स को समझता है। ठीक है, बट आप किसी इंटरनेशनल सप्लायर से बात करते हो ना तो आपके और उसकी मतलब कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ सकता है, आपके उसके नॉर्म्स में डिफरेंट आ सकता है, आपके और उसके तरीकों में डिफरेंट आ सकता है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने
जो 8th वर्जन ऑफ इनकोटेम रिलीज किया है 2010 में, जो कि 2011 से इफेक्टिव है, उसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इनकोटेम्स 2010 कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सप्लायर और बायर की तीन चीजों को डिफाइन कर रहा होता है। याद रखिए, इनकोटेम्स के अंदर तीन चीजों की परसेंटेज ऑफ देख रहे होते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज है। ठीक है, बायर और सेलर के दरमियान सबसे पहली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है कैरियज या पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरी है इंश्योरेंस, मतलब मेरी लायबिलिटी कहाँ चेंज हो रही है, मुझे कहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन पे करना है और कहाँ तक का इंश्योरेंस पे करना है। ये चीजें इनकोटम बता रही हूँ। तो इनकोटम का बेनिफिट क्या है कि सबसे बेनिफिट ये है कि आपका रिस्क रिड्यूस कर देती है। क्या कम्युनिकेशन एरर या कम्युनिकेशन रिस्क आप दोनों के दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान ख़त्म कर देती है। कल्चर डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के दरमियान, कल्चर डिफरेंसेस हैं सप्लायर और बायर के दरमियान, तो इसको कम करने में काम करती है। फिर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की ऑब्लिगेशंस क्लियरली डिफाइंड है इनकोटम में। आपने एक्सपोर्ट लिख दिया तो एक ऑब्लिगेशन डिफाइंड हो गई, CFR लिख दिया तो ऑब्लिगेशन डिफाइंड हो गई, DDP लिख दिया तो ऑब्लिगेशन डिफाइंड हो गई। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जब हम इनकोटम को डिफरेंट डिस्कस कर रहे होंगे तो बता रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें स्टिल आप जो है ना डिस्कस कर रहे हो तो सप्लाई कर इनकोटम लिखने के बाद भी, ठीक है यार ये है बट यहाँ से यहाँ तक का तुम कर लो, यहाँ से आगे मैं कर लूँगा। तो अभी भी इनकोटम का मतलब ये नहीं कि आपने इनकोटम लिख दिया उसके बाद आपने बायर से कोई बातें नहीं करनी या सप्लायर से कोई बात नहीं करनी, और डिटेल एलेबोरेट करना पड़ता है। बट इनकोटम जनरल ओवरव्यू देती है बायर और सप्लायर को कि मेरी लायबिलिटी, मेरी कॉस्ट, मेरी चीजें कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो इनकोटम के टू ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो इनकोटम का है ना, वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अप्लाई हो सकता है, वेदर इट इज सी, वेदर इट इज लैंड, वेदर इट इज एयर। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है ना, वो सिर्फ वाटरवे या सी ट्रांसपोर्ट पे रहता है, मतलब सी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। तो उसके इनकोटम्स का नाम है एक्सवर्क्स, फ्री कैरियर, कैरियज पेड टू, कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, डिलीवर्ड एट प्लेस और डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। और ग्रुप टू इनकोटम का नाम है, उसमें है फ्री अलोंग साइड शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट एंड फ्रेट एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर लें। सर आप वो क्विज की डेडलाइन 1 घंटे के लिए बढ़ा रहे हैं? जी बढ़ा रहा हूँ 1 घंटे के लिए। ठीक है, लेकिन जितना देर से वो ना दे ताकि डबल ना हो उसका। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए बात साहब। सर हमारी कंपनी जो है वो बेसिक मटेरियल जो है वो बाहर से मंगवाती है जिसमें क्रूड ऑयल आता है, तो क्रूड ऑयल का जो टैंकर होता है जब वो रिपोर्ट कर लेता है टर्मिनल पे, तो उसके बाद जाके LC ओपन की जाती है, तो LC तो पहले से नहीं ओपन होनी चाहिए। लेकिन आप क्रूड ऑयल जो है वो किसके जरिए मंगवाते हो? वो तो सर जो बाहर मुल्क की मार्केटिंग कंपनी जैसे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, एडनोक है, वही सप्लाई करते हैं। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कितना रोल इन्वॉल्व होता है? सर कभी एक बार टैंकर आया था चार्टर्ड जी, तो मैं तो खैर टर्मिनल एंड पर होता हूँ, लेकिन क्योंकि कार्गो की जो क्वांटिटी होती है वो 70,000 मेट्रिक टन होती है, तो LC जो है वो इनिशियली पहले 10,000 मेट्रिक टन की खुलती है, फिर 2-3 दिन के बाद वो LC इनहांस की जाती है, फिर 20,000 टन की जाती है, फिर स्टेप बाय स्टेप की जाती है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल है, बेसिकली कोटा सिस्टम एक तरीके का है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितना इम्पोर्ट करती है ना उसमें सबको कोटा देती है, तो जब इम्पोर्ट हो जाता है ना उसके बाद ही पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कि कितना आया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स तो किए होते हैं पूरी दुनिया के साथ, लेकिन किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, तो ये बेसिकली कोटा सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो आपको बाउंड कर देते हैं, वरना हर कंपनी चाहेगी कि मैक्सिमम उसको मिल जाए। आपकी कंपनी भी चाहेगी कि मैक्सिमम आपको मिले, होंगे जितना आपको रॉ मटेरियल मिलेगा उतना आप प्रोडक्ट बना सकोगे। तो ये बेसिकली जो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है ना जिसमें गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो गवर्नमेंट अवॉइड कर देती है, गवर्नमेंट आपको बताती है कि आप कितने की LC खोल सकते हैं। बेसिकली वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट कर रही है, आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मिलकर इसको इंपोर्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओगरा बिठाई हुई है और ओगरा ही इसकी
सब चीज़ों को मॉनिटर करती है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसी तरीके से अगर आप चीनी के इम्पोर्टर हो या जो है वो गंदम के इम्पोर्टर हो ना, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉस के मुताबिक मंगवाएं, आप अपनी अपनी मर्जी से नहीं मंगवा सकते उसकी क्वांटिटी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। इंशाल्लाह आपको इस क्लास की सारी चीज़ें अपलोडेड मिसिंग हैं इसकी, बाकी तो रिकॉर्डिंग आपको अपलोड मिल जाएगी। कोई और सवाल हो तो आप लोग ग्रुप पे कर सकते हैं। सवाल है सर, बिजनेस प्रोसेस अप्रोच पे स्पेसिफिकली टर्म को डिफाइन कर सकते हैं? बिजनेस प्रोसेस अप्रोच बेसिकली आपका कस्टमर ओरिएंटेशन अप्रोच है, नहीं आपका प्रोडक्ट कस्टमर सेंट्रिक है या नहीं है ये बता रहा हूँ। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल सर, वो सर कोई इसके लिए प्लीज टाइम बढ़ा दीजिए, मैंने खाली सबमिट करना है। कितनी दफा बताऊं आरिफ भाई, एक घंटा बढ़ा रहा हूं। ओके सर, वो थोड़ा टेंशन हो रहा था। ओके सर, जिन्होंने सबमिट करा दिया क्या वो भी दोबारा वो आराम करें, एंजॉय करें। सही है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।